close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on सो हाय हेलो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्री फायर के लाइव स्ट्रीम के अंदर। दोस्तों मेरा नाम है A2 गेमर और आप लोग देख रहे हैं हॉकआई सीएस कप सीजन 2। तो जी हां, कैसे हो आप लोग, क्या हाल चाल है आप सबके? होप करता हूं सारे भाई बहुत ही बढ़िया होंगे। जी गाइस, तो बिल्कुल एक नया दिन नई शुरुआत लेके आ चुके हैं अब तक की सबसे खतरनाक सुपर डुपर टीम। और इस टीम का इंट्रोडक्शन तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये टीम ऑलरेडी बहुत फेमस है, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि कौन सी ये टीम है, कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो इस टीम के अंदर मौजूद रहने वाले। बट मीनवाइल अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं करा तो फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर दो, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। और आज का ये जो मुकाबला होने वाला है बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है, क्योंकि एक तरफ है स्लॉट वन के अंदर हॉक लीडर्स की टीम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग, हॉक आई के लीडर्स हैं यहाँ पे टोटल चार, और सामने वहीं हॉक आई की चार गर्ल्स हैं, मतलब कि हॉक गर्ल्स वर्सेस हॉक लीडर्स का ये आज का पहला मुकाबला। ओह माय गॉड, काफी लोगों को इस मैच का, इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों जब हम आज इस मैच को स्टार्ट करेंगे। बट आपका थोड़ा सा नॉलेज हम बढ़ाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपको कि दोस्तों हॉकआई सीएस कप सीजन 2 का ये राउंड 1 है और डे 3, समझ रहे हो ना, मतलब राउंड 1 का आज ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन का ये आज का पहला मुकाबला है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलो करते हैं इस मैच को स्टार्ट एंड देखते हैं कौन बनेगा डॉन इस मुकाबले के अंदर, देखते हैं। बट मीनवाइल वही हॉक लीडर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हॉक नूम हैप्पी। भाई मैं इतना एक्साइटेड हूं, नाम तक नहीं ले पाया, लोल। बट कोई बात नहीं, आप लोग एक बार इनके लिए चेयर अप जरूर करना। इट हुई है, कैसे हूं मैं? बहुत बढ़िया। आर्य सेतु वेलकम, साइब्लस वेलकम, लेजेंड वेलकम, आर एस ए रोहन भाई वेलकम। यहाँ पे ऑलरेडी लीडर्स के लिए हैशटैग कंटिन्यू लग रहा है, स्टार्ट हो चुका है मेरी जान। फिलहाल देखो हॉक लीडर्स को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने आए हैं हॉक आई 1 से हमारे धीरज भाई, हॉक आई 2 से हैप्पी भाई, हॉक आई एक्स 4 से यहाँ पे कहीं ना कहीं रहने वाले हैं सीवू, और वहीं हॉक आई 9 से आए हैं सोमे डी। मतलब पूरी हॉक लीडर्स की टीम चुस्त पुस्त आई है, एकदम सज धज के आई है यहाँ पे मचाने के लिए, जलवा दिखाने के लिए और कहर ढाने के लिए। बट वहीं हॉक गर्ल्स की तरफ से श्रिया, बारबी, आरती एंड मिसेस शर्मा। ओ माय गॉड, सामने मिसेस शर्मा की एक बंदा मौजूद यहाँ पे, ग्रोजा इनके हाथों में। ओ सॉरी, MP5 देख रहे हो, मेरा एक्साइटमेंट लेवल देख पा रहे हो, मतलब मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, इतना एक्साइटेड। रुको रुको, थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज मिस्टर धीरज सिंह कार की हॉक नूब भी इस मुकाबले के अंदर है। बट कहीं ना कहीं इनको टेक डाउन कर दिया गया है, अब थोड़ा सा मुझे काम डाउन करके यहाँ पे देखना पड़ेगा इस मैच को। हैप्पी भाई अकेले सामने तीन लड़कियां, हॉक गर्ल्स बनाम हॉक लीडर्स, या यू कह लें मिस्टर हैप्पी वर्सेस 3 गर्ल्स। और यहां पे मिस्टर 3 मिस्टर हैप्पी किस तरीके से प्रहार करेंगे ये देखने वाली बात है। फिलहाल सामने एक लड़की मौजूद है, जोरदार स्प्रे बारबी का, और यहां पे हॉक लीडर्स की टीम को मात दिया है हॉक गर्ल्स ने पहले ही राउंड के अंदर। रुक जाओ, मेरे को थोड़ा काम डाउन होने दो, ओ बेबी काम डाउन, क्योंकि गाइज ये मैच तो बहुत ज्यादा ओपी है। अच्छा सुनो 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 सारे बंदे ना, स्ट्रीम को दबा के शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ,
अपने हॉकआई के हर एक गिल्ड के मेंबर्स के साथ, अपने टीममेट्स के साथ, अपने बंदों के साथ। बट मीनवाइल एक बार स्कोरबोर्ड देख लो, फिर आराम से बातें करेंगे। क्योंकि मुझे पता है मैं सुपर फास्ट से भी फास्ट चल रहा था अभी तक, बट अब थोड़ा मैं काम डाउन होगा। चलो बट मीनवाइल बारबी यहाँ पे स्नाइपर वेपन का इस्तेमाल करती हुई कहीं ना कहीं देखने को मिल पा रही है। वही बात करो अगर हॉक नूब की, तो इनके पास मैग 7 मौजूद रहने वाला है। इनके ठीक सामने कहीं ना कहीं पूरे 3 खिलाड़ी यहाँ सामने मौजूद हैं जो कि हॉक गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब देखते हैं हॉक नूब हॉक शिवू एक साथ कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन बना के आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे शिवू को थोड़ा सा डैमेज आया हॉक गर्ल्स की तरफ से। शिवू का यहाँ पे बिना देखे वाला शॉट, अंधाधुन शॉट। और हैप्पी भाई की बात करूं तो हैप्पी भाई को यहाँ पे लो किया गया है काफी ज्यादा। सोमिडी का यहाँ पे जोरदार स्प्रे गया है मगर शॉट मिस किया है। बट कहीं ना कहीं ये सिनेरियो ना क्रिएट हो जाए, यू मिस आई हिट। बट यहाँ पे शिवू का खूबसूरत शॉट, शिवू ने एक नॉक निकाला बट सामने से एक बंदी ने यहाँ पे शिवू को भी नॉक डाउन कर डाला। अब 2 vs 3 सामने हॉक गर्ल से श्रिया और ये एक लोकल नोबात। यहाँ पे लीडर्स की तो आज पिटाई हो रही है जोरदार तरीके से। हॉक गर्ल्स जो है वो जलवा दिखा रही है, आग लगा रही है, कहर ढा रही है। क्या ही तो हेडशॉट मारा है श्रिया ने, एक नंबर भाई, मजा ही आ गया बिल्कुल। भैंस की आंख इसकी, 2-0 की लीड में, ये मैं क्या देख रहा हूं 2-0 की लीड में। लगता है लड़कियों से भी पिटाई खाएंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, इट्स ऑल राइट। लड़की लोग प्रो क्यों लग रही हैं मेरे को? अबे भाई लड़कियां बहुत प्रो बन के आई हैं यार, पता नहीं कैसे फुल ट्रेनिंग करके आए ये खिलाड़ी। बारबी यहाँ पे यूज कर रही हैं EWM और किंगफिशर। आरती यहाँ पे यूज कर रही हैं MP5 और टू शॉटर। मिसेस शर्मा यहाँ पे यूज करती हुई नजर आ रही हैं MP5 एंड टू शॉटर। काफी बेहतरीन मूवमेंट यहाँ पे इन चारों खिलाड़ियों का हमें देखने को मिल पा रहा है इस मुकाबले के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पे 2-0 के लीड में कहीं ना कहीं टीम मौजूद इस मुकाबले के अंदर। राउंड 3 प्रारंभ हो चुका है, मात्र 2 राउंड और दूर है ये खिलाड़ी अपनी जीत से। बट वहीं कहीं ना कहीं हॉक लीडर्स की टीम को पूरे 4 राउंड्स अभी भी यहाँ पे अपने नाम करने होंगे, तभी कहीं ना कहीं ये जीत सकेंगे इस मुकाबले को। फिलहाल हैप्पी भाई के सामने बंदा मौजूद, हैप्पी भाई यहाँ पे उसको थोड़ा सा एक एक हाथ करते हुए उसके साथ। सीवू यहाँ पे ग्लोअर लगा के खुद को पैक कर रहे हैं। सोमिडी यहाँ पे राइट हैंड साइड से फ्लैंक करते हुए देखने को मिल पा रहे हैं। सामने बंदा यहाँ पे सोमिडी के मौजूद रहने वाला है। 1 vs 1 का सीनारी हो सकता है। ग्लूअल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है खिलाड़ी के द्वारा और हॉक नूब का यहाँ पे जोरदार शॉट आया। यहाँ पे एक बंदे को टेक डाउन निकाला और भैंस की यहाँ किसकी, हॉक नूब ओपी इन द चैट। क्या ही तो शॉट मारा है हॉक नूब ने, मजा ही आ गया। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जोन में फंसा दिया गया है मिस्टर नूब को। यहाँ पे हॉक नूब को जोन के अंदर फंसाया गया है और एक अच्छी स्ट्रेटेजी मगर बेहतरीन शॉट मिस्टर हॉक नूब का। यहाँ पे हैप्पी भाई सामना करते हुए एक खिलाड़ी का, आखिरी लड़की गर्ल्स स्क्वाड से, जिसको यहाँ पे समाप्त किया गया है। और एक खूबसूरत कमबैक फाइनली हॉक लीडर्स की तरफ से हमें देखने को मिल चुका है। क्या मजा आ गया। A2 भैया बी लाइक बच गया मैं गजब बेइज्जती से। नहीं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हॉक आई की ओर से ये जो टीम है हॉक लीडर्स की, ये भी अब कमबैक कर चुकी है मुकाबले के अंदर। मतलब कि यहाँ से अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है हमें। क्या लगता है गाइस, कौन होगा विनर? हॉक लीडर्स वर्सेस हॉक गर्ल्स, हु इज गोइंग टू विन दिस मैच? देखो ऑब्वियस सी बात है, जिस टीम के अंदर बेहतरीन कोऑर्डिनेशन रहेगा, कहीं ना कहीं हॉक लीडर्स उतना एक साथ नहीं खेल पाते हैं बिजी शेड्यूल रहने के कारण। बट वहीं कहीं दूसरी तरफ अगर बात करूँ हॉक गर्ल्स की स्क्वाड की, तो एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन में, एक अच्छी लाइनअप में नजर आ रही है इनकी टीम। तो देखते हैं इस बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का कितना फायदा मिलता है इन्हें। बट मीनवाइल यहाँ पे अगले राउंड के लिए आगे बढ़ती हुई यहाँ पे गर्ल्स स्क्वाड हमारी, फिलहाल देखते हैं हॉक श्रिया बारबी आरती एंड शर्मा, यहाँ पे मिसेस शर्मा क्या करती हैं। फिलहाल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से फ्लैंक कर रही है, एक नई स्ट्रेटजी यहाँ पे देखने को मिली है खिलाड़ी के द्वारा। बट मिसेस शर्मा के सामने बंदा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मौजूद रहने वाला है और यहाँ पे नहले पे दहला हो सकता था बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से। यहाँ पे हमें शॉट्स कुछ देखने को मिल सकते थे बट अनफॉर्चुनेटली हॉक लीडर्स ने अपना एक खिलाड़ी खो दिया है। यहाँ पे सोमिडी को फिनिश ऑफ दे दिया गया है बट हॉक नूब यहाँ पे देखना होगा। हॉक नूब के सामने राइट हैंड साइड पे बंदा, ओह भाई अपने बंदे को मार रहे हैं यहाँ पे। फिलहाल देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पे, आमना सामना होता हुआ खिलाड़ियों का। एक प्लेयर को टेक डाउन कर दिया है, ग्लू वॉल तोड़ी जा रही है यहाँ पे हॉक नूब के द्वारा। वही बात करूं मिस्टर हैप्पी की, तो मिस्टर हैप्पी काफी फॉर्म में देखने को मिल पा रहे हैं। यहाँ पे टॉप फ्रैक कर रहे हैं अपनी टीम की ओर से मिस्टर हैप्पी, ग्लू वॉल तोड़ रहे जा रहे हैं बारी बारी यहाँ पे सभी खिलाड़ी।
राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, मैन एडवांटेज में हॉक लीडर्स की टीम। वहीं गर्ल्स स्क्वाड की बात करूं तो सिर्फ श्रिया एंड मिसेस शर्मा एलाइव। और यहां पे मिसेस शर्मा को बहुत ज्यादा लो किया गया है और अनफॉर्चुनेटली यहां पे ऐसा प्रतीत होता है इस इंटेंस फाइट को देख के कि श्रिया की साथ ही खिलाड़ी मिसेस शर्मा को टेक डाउन कर दिया जाएगा और श्रिया पड़ जाएंगी अकेले। अब सामने पूरे तीन खिलाड़ी हॉक लीडर्स के। और वहीं बात करूं गर्ल्स स्क्वाड से तो श्रिया अकेले से जीवित। एक और बंदा नॉक निकाला यहां पे श्रिया ने और यहां पे अभी भी इस मुकाबले का अंत नहीं हुआ है, पूरा टक्कर का मुकाबला चलता हुआ दोस्तों यहां पे। हॉक श्रिया सामने बंदा और भैंस की आंख इसकी, वन वर्सेस, ओ माय गॉड व्हाट अ शॉट दिस वाज। दादा रे क्या ही तो खेला श्रिया ने, वन वर्सेस थ्री अगेंस्ट लीडर्स टीम यहां पे कर दिखाया है। गजब गजब गजब, जितनी ही तारीफ करो उतनी ही कम। ओ माय गॉड, ये गर्ल्स स्क्वाड नहीं है क्योंकि किसी से कम। दादा रे क्या ही तो खेला गाइस इन्होंने, एकदम आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी बिल्कुल। अगर आपको इनका गेम प्ले पसंद आया हो ना तो जरूर से लाइक करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो गाइस। श्रिया ओपी लगा दो चैट में गाइस, क्या ही तो खेला श्रिया ने यार। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि ले गई लीडर्स तो ले गई ये मैच को, इस राउंड को ले गई, बट श्रिया ने कहा वेट अ मोमेंट, आई एम स्टिल अलाइव एंड द गेम इज स्टिल नॉट ओवर अनटिल इट्स ओवर। और उस चीज को प्रूव करा श्रिया ने। लेकिन फिलहाल देखते हैं हॉक नूब मिस्टर हैप्पी सीवू सोमेडी, सीवू के सामने बंदा बैक ऑफ करते हुए सीवू। कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्हें पता है कि अगर अकेले गए तो मुश्किलों में पड़ सकती है टीम। फिलहाल यहाँ पे एक एक करके हॉक लीडर्स को देखना चाहेंगे। सोमेडी पे नजरें हम दौड़ाएंगे और सोमेडी पे जैसे ही नजर ले गए दुर्घटना घट चुकी है। पीछे से आ चुके सीवू का जोरदार शॉट, बट सामने से हॉक नूब का बेहतरीन कवर और खिलाड़ी हो चुका है नॉक। हॉक नूब यहाँ पे अच्छा गेम प्ले कहीं ना कहीं दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल मैं अभी तारीफ कर ही रहा था और उतने ही देर में एक और प्लेयर को टेक डाउन कर दिया। ग्लू वॉल लगाने की जरूरत है मगर मिस्टर नूब कह रहे हैं कि मैं ग्लू वॉल नहीं लगाता, सीधा हेड शॉट ही लगाता हूँ। बट कहीं ना कहीं आवश्यकता थी यहाँ पे ग्लू वॉल की। सीवू यहाँ पे हॉक नूब को रिवाइव करते हुए सामने दो और लीडर से अब मात्र एक। श्रिया एक बार फिर से खुद को बेस्ट प्रूव करती हुई एक प्लेयर को नॉक करा, दूसरे को भी शॉट लगाया और श्रिया ओपी इन द चैट लग जाए क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स स्क्वाड ने यहाँ पे है मचाया। गर्ल्स स्क्वाड की टीम ने कर दिखाया है दोस्तों वो जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे लड़कियों ने एकदम कहर डाल दिया, जलवा दिखा दिया और आग लगा दिया पूरे मैच के अंदर। 4-1 की लीड से हॉक लीडर्स को दी है मात गर्ल्स स्क्वाड ने। ओ माय गॉड, अलग ही लेवल का क्रेज यहाँ पे छिड़ रखा है मुकाबले के अंदर, खतरनाक सीन हो गया भाई। इस गेम प्ले से ना आप लोग यही अनुमान लगा सकते हो कि ये जो हॉकाई सीएस कप सीजन 2 है ना कितना नेक्स्ट लेवल जा रहा है। मतलब अंडरडॉग्स भी मचा रहे हैं, हर एक बंदा जिससे उम्मीद नहीं है वो भी आके कह ढा रहा है। ओपी 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 लग जाए चैट में। हॉक गर्ल्स की जितनी तारीफ करो उतनी कम, चैट में ना हैशटैग ओपी जरूर लगना चाहिए। बट बात करो अगर स्कोर बोर्ड की दोस्तों तो कहीं ना कहीं श्रिया, आहा क्या तो गेम था इनका। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फ्रॉम द टीम साइड, 10 किल यहां पे श्रिया ने अकेले करे हैं। मतलब अगर पूरे टीम के किल मिला लो और श्रिया के एक तरफ रख दो उतने अकेले, एक तरफा वन साइडेड खेला पूरा श्रिया ने, 10 किल अकेले कर दिए। बारबी के 3, आरती के 1, मिसेस शर्मा के कहीं ना कहीं यहां पे रहने वाले 2 किल। वहीं हॉक लीडर से टॉप रैक करते हुए नजर आ रहे हैं हॉकाई 1 के लीडर हॉक नूब। हॉकाई 6 से मिस्टर हैप्पी ने 2 किल करे, सीवू के 1 और सोमेडी के 0 किल्स यहां पे रहने वाले। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हॉक गर्ल्स की टीम ने ना लिटरली सबके दिल जीत लिया आज तो, मजा ही आ गया बिल्कुल ये मैच देख के। बट कोई बात नहीं, अभी तो ये आज का पहला मैच था दोस्तों। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे मैच की ओर, क्योंकि ये जो दूसरा मैच है ना वो किस टीम का है ये आपको मैं सीधा कस्टम रूम के अंदर चल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको सीधा कस्टम रूम के अंदर चल के दिखाता हूँ कि ये मैच आखिर किसका है दोस्तों। दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि ये मैच तो अब ऐसे ही होने वाले हैं। जितने हम करीब जाते जाएंगे ना यहाँ पे फाइनल्स के सेमीफाइनल्स के, उतना इंटेंस फाइट हमें ऐसे ही इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। बट मीनवाइल लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने हम लेके आ चुके हैं वो दो टीमें जो होने वाली है यहाँ पे। एक होने वाली है यहाँ पे हॉकाई 4 की तरफ से, एक होने वाली है X5 की ओर से। मतलब कि फैंटास्टिक 4 यहाँ पे आपको स्लॉट 1 के अंदर देखने को मिल चुकी है। अब बिना किसी देरी के दोस्तों आज के इस पहले मैच को अंत कर दिया हमने, अब बिना किसी देरी के हम आज के इस दूसरे मैच को भी करते हैं प्रारंभ और देखते हैं कौन सी वो टीम होगी जो इस मैच के अंदर मारेगी बाजी। सो लेट्स गो, करते हैं इस मैच को प्रारंभ। हियर यू गो।
चलो 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 लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो स्टार्ट फास्ट। चलो गाइस कर दिया यहाँ पे शुरू। अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया ना तो फटाफट से लाइक कर दो। और अब मैं आप लोगों की चैट पढ़ने वाला हूँ तो लाइक तो बनता है मेरी जान, ठीक है? चलो लाइक्स तो बनते हैं, लाइक्स तो बनते हैं, लाइक्स तो बनते हैं। चलो कितने लाइक्स हो गए एक बार चैट में बता देना। और बहुत से मेरे भाइयों की शिकायत है कि ए2 भाई आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। दोस्तों यार इतना इंटेंस फाइट था, इतना इंटरेस्टिंग मैच था, मैं पानी तक नहीं पिया पूरे मैच में, तो रिप्लाई तो थोड़ा सा दे पाना मुश्किल था। बट अब मैं टोटली फ्री हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता उतना इंटेंस फाइट होगा। ऐसा मुझे लगता है कि नहीं होगा, बट क्या पता टीम्स कर जाए उतना इंटेंस। बट फिलहाल चैट पढ़ते हैं। फॉक एमडी वेलकम मेरा भाई। श्रिया हेलो, बहुत बढ़िया खेला श्रिया आपने। शिवनाथ गुराई जी वेलकम टू द स्ट्रीम। मुकुल देखा वेलकम। फ्लैट गेमिंग वेलकम। माथुर ब्लॉक्स वेलकम। 3FF भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हो आप सभी लोग? पहले मैच में ही मजा आ गया भैया। हाँ यार मजा तो आएगा, हमारे साथ बने रहोगे डटे रहोगे तो ऐसे ही मजा आते रहेगा। बट दोस्तों तो प्लीज लाइक करें, 50 लाइक्स का एम रखते हैं इस मैच के एंड होने से पहले, ठीक है? सारे मेरे जितने भी यार दोस्त मित्र भाई बड़े भाई छोटे भाई सब लोग देख रहे हो ना, सभी लोग लाइक कर देना जरूर। और हाँ जितनी भी लड़कियां देख रही हैं स्ट्रीम को जरूर लिखना अपना नाम चैट में, पता तो चले लोगों को कि लड़कियां भी स्ट्रीम देखती हैं। फिलहाल चलो यहाँ पे राउंड वन मैच टू का प्रारंभ हो चुका है, आमना सामना करते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे गेम प्ले काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। आई एम ऑल्सो प्लेइंग टूडे। ओके डार्क फायर ब्रो, राउंड टू कब से स्टार्ट होगा? राउंड टू ब्रो कल के बाद से स्टार्ट होगा। फिलहाल यहाँ पे चेक करो गाइस। अनुश्री इस ये गर्ल, क्या ये एक लड़की है? वेटिंग फॉर टीम 69 मैच। ओके ओके बने रहे डटे रहे, मैचेस तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट ये शॉट आपको बार बार नहीं देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे सामने बंदा मौजूद है अनुश्री, यहाँ पे एक शॉट अगर कनेक्ट करती है तो ही यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम को फायदा मिलेगा। बट अनुश्री ने बहुत ज्यादा शॉट्स मिस करे हैं और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं टीम को भुगतना पड़ सकता है। बट सामने अगर बात करूं फैंटास्टिक फोर अच्छा खेलती हुई नजर आ रही है फिलहाल ये टीम, और बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा अच्छा खेल रही है ये टीम और बिल्कुल साबित भी करा है लड़कों ने। और ये चेक करें गाइस के ये जो शॉट्स आपने देखे वो काफी ज्यादा ओपी थे। यहाँ पे बैक टू बैक दो हेडशॉट्स मगर किल आए सिर्फ एक, एक किल किटकिट के, एक किल लेजेंड के, बाकी दो खिलाड़ी सामने वाले हो गए एलिमिनेट कहीं ना कहीं। कुछ इस प्रकार का रहा स्कोर बोर्ड इस राउंड का। एके प्रो गेमर वेलकम, शिवनाथ वेलकम, श्लेयर 99 वेलकम। दोस्तों आप लोग ना एक काम करो, आपका जो भी मन करे वो आप हैशटैग लगाओ। अगर सामने जितने भी बंदे स्ट्रीम में हमारे लोग मौजूद हैं उन्हें वो हैशटैग पसंद आएगा तो वो आपके साथ वो हैशटैग लगाएंगे, ठीक है? कपिल जाटो मेरा भाई वेलकम, कैसे हो? शुभम वेलकम, क्या हाल चाल है आपके? एके प्रो वेलकम टू द स्ट्रीम। आई एम सो सॉरी गाइज अगर आपके मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा, बट अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा पढ़ने के, ठीक है? 10K सब्स चैलेंज विद वन वीडियो। हेलो ए2 भाई, हेलो मेरा भाई। फैंटास्टिक फोर टीम 69। अच्छा ये कौन सी टीम है दोस्तों? हॉक जिन टीम की बताइए जरा हमें। फिलहाल मैं चेक करता हूँ इनका मैच। स्वास्तिक यहाँ पे मौजूद है, स्वास्तिक यहाँ पे थॉमसन में अपन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वरूप पी वाईटी, अनुश्री जहाँ पे फ्लैंक कर रही है। जिन टीम की बात करूँ तो यहाँ पे ये अभी घर के अंदर मौजूद है। बट सामने से अगर बात करूँ यहाँ पे किटकिट ने एक प्लेयर को हेडशॉट लगाया और फिनिश ऑफ करके दिखाया है। राउंड वन ऑलरेडी यहाँ पे टीम जीत चुकी है, राउंड टू में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे लीड लेते हुए नजर आ रहेंगे खिलाड़ी। और लेजेंड एफएफ बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे गेम प्ले दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, अंदर से बाहर बाहर से अंदर, कभी क्लोज इन कभी क्लोज आउट। और अब लेजेंड यहाँ पे, लेजेंड के सामने ठीक बंदा मौजूद है, अगर वो बंदा जंप करके आता है तो यहाँ पे उसको मारा जा सकता है। बट सामने आ चुका है एक बंदा, शॉट लगेगा क्या एक गंदा, देखते हैं। शॉट यहाँ पे लगाने का प्रयास करते हुए लेजेंड यहाँ पे मिस किया है और यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि अब सामने वाले बंदे ने हिट किया है। बट नो, वेट अ मोमेंट, यहाँ पे लेजेंड एफएफ अनएक्सपेक्टेड तरीके से यहाँ पे बिल्कुल एक बंदे को शॉट लगाया था। दो किल यहाँ पे लेजेंड एफएफ के, दो किल यहाँ पे किटकिट के कहीं ना कहीं, और इस राउंड को भी अपने नाम कर दिया है फैंटास्टिक फोर की टीम ने। दोस्तों क्या ही तो शॉट खेल रही है ये टीम और क्या ही तो लवली कोऑर्डिनेशन है इनका। दोस्तों कितने लाइक्स हो गए एक बार चैट में बता देना। मैच पीसी गेमिंग हूं ब्रो, पता है कपिल मुझे पता है आप रूटर वाले हो, एचपीसी हो, मुझे पता है आप वही हो। मैं एक बार नाम देख लेता हूं ना अपने लोगों का तो मुझे याद हो जाता है। फिलहाल चलो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं फिलहाल जो अब ये मुकाबला होने वाला है वो किस प्रकार का है आप देखें। एक बार मैं एक चीज और चेक कर लेता हूं, एक सेकेंड दो मुझे। आप लोग ये मैच एंजॉय करो।
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, स्लेयर्स डेमोन नाम है इस टीम का। स्लेयर्स डेमोन है ये, स्वास्तिक स्वरूप अनुश्री एंड जिन। एक्चुअली गाइस अंडरडॉग्स की टीम अपने नेम फॉर्मेट के साथ नहीं आती, इसलिए कहीं ना कहीं नाम उनका टीम का याद नहीं रहता और पता भी नहीं चल पाता है। बट मीनवाइल देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। स्लेयर्स डेमोन की टीम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो प्लेयर ऑलरेडी इन्होंने खो दिए अपने, और उसके बावजूद यहाँ पे हेडशॉट लगाया अनुश्री ने बट मिस किया है शॉट। सामने से बात करूँ तो फैंटेस्टिक फोर बहुत ही ज्यादा वन साइडेड खेलती हुई नजर आ रही है, बहुत ही खूबसूरत गेम प्ले, एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन और एग्रेसिव नजर आ रही है टीम के खिलाड़ी, और अब यहाँ से पीछे से फ्लाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जायरो एफएफ की बात करूँ तो एक के लिए यहाँ पे स्नाइपर भी चलाते हुए नजर आ रहे हैं जायरो एफएफ, देख सकते हो आप। और इसी के साथ 3-0 की लीड में टीम फैंटेस्टिक फोर। रूटर को आप भूल ही गए भाई? हाँ, मैंने रूटर छोड़ दिया दोस्तों। नाउ आई एम ओनली ऑन यूट्यूब, ऑन माई मेन चैनल एंड ऑन हॉकाई ऑफिशियल चैनल। आई एम फ्रॉम डेथ गैंग। ओके मेरे लाल हॉकर जीत, वेलकम टू दिस स्ट्रीम। दोस्तों आप सभी लोग चैट कर सकते हो, चैट इज टोटली ओपन फॉर यू ऑल गाइज। जितना मन करे उतना चैट करो, जितना मन करे उतना हैशटैग लगाओ, जितना मन करे उतने अपनी टीम के लिए चेयर अप करो। कोई लिखो फैंटास्टिक फोर, फैंटास्टिक फोर, फैंटास्टिक फोर, तो कुछ लोग लिखेंगे यहाँ पे स्लेयर्स डेमोन को हम आए हैं करने सपोर्ट। और मीनवाइल देखते हैं यहाँ पे क्या ये राउंड आज का आखिरी राउंड होगा, क्या यहाँ पे फैंटास्टिक फोर इसी तरीके से मचाएगी, जलवा दिखाएगी और कहर ढाएगी। और चेक करिए दोस्तों ये बोल्ट एफएफ का स्नाइपर का शॉट, क्या एक शॉट यहाँ पे बोल्ट कनेक्ट कर पाएंगे? सामने बंदा यहाँ पे बोल्ट के मौजूद रहने वाला है, शॉट किया है कनेक्ट बोल्ट एफएफ ने, 150 का लगाया फटका, बंदे ने किया खुद को पैक और यहाँ पे वन वर्सेस वन का सिनेरियो, जोरदार हेडशॉट लगाया यहाँ पे किटकैट ने। जायरो एफएफ को भी चेक कर ले वरना गुस्सा हो जाएगा। जायरो एफएफ, जायरो एफएफ, जायरो एफएफ के सामने बंदा मौजूद, ग्लू वॉल के पीछे है खिलाड़ी, आमना सामना होता हुआ बंदों का। ओ माय गॉड, व्हाट ए शॉट दैट वाज जायरो, आग लगा दी बंदे ने बिल्कुल। अब आखिरी बंदा मात्र मौजूद और ये चेक करें, ये चेक करें, क्या इससे बेहतर कोई शॉट हो सकता है? जिस तरीके से स्वरूप ने मारा ये हेडशॉट वो काफी ज्यादा पीले तारीफ था, तारीफे काबिल था। बट यहां पे ये चेक करें, वन वर्सेस थ्री नहीं निकाल पाएंगे और स्लेयर्स डेमन को मात देके राउंड टू के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे फैंटास्टिक फोर की ये टीम। मैच वन के अंदर हॉक गर्ल्स की टीम सीधा क्वालिफाई हुई है राउंड टू के लिए, मैच टू के अंदर फैंटास्टिक फोर हो चुके हैं क्वालिफाई सीधा सीधा राउंड टू के लिए। कहीं ना कहीं बहुत बहुत बधाई फैंटास्टिक फोर आपको। किट कैट ने एक्चुअली यहाँ पे करा है टॉप रैंक 6 गर्ल्स के साथ, 5 के लेजेंड एफएफ के, जायरो के 2, बोल्ट के 1। बेटर लक नेक्स्ट टाइम स्लेयर्स डेमोन की टीम। बट फिलहाल अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज के अगले मैच की ओर और अब पढ़ते हैं आप लोगों के चैट। चलो A2 भैया, A2 e-sports waiting for finals showdown of the day। आदित मंडल, हाँ मेरी जान, देखते हैं ना। डेथ गैंग का मेंबर हूँ मैं। अच्छा अच्छा, डेथ गैंग का मैच है क्या आज? और दोस्तों जो आज का अगला मैच है वो किसके बीच होने वाला है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ फटाफट से चेक करके एक बार। मेरे अकॉर्डिंग ये मैच होने वाला है GG जिम रेट्स रेड्स वर्सेज XG e-sports। ओ माई गॉड, XG e-sports लास्ट सीजन की फाइनलिस्ट टीम, जरूर वो विनर नहीं रहे थे, चैंपियंस कहीं ना कहीं यहाँ पे गॉड ई-स्पोर्ट्स बनी थी सीजन 1 के अंदर, बट फाइनलिस्ट अवश्य थे ये XG ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी। तो XG ई-स्पोर्ट्स अब आपको देखने को मिलने वाली है इस मैच के अंदर दोस्तों। एक बार मैं रिकन्फर्म कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, लेट्स सी, हेयर वी गो। ठीक है ठीक है ठीक है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं। A2 भाई कैसे हो? नोटा प्लेज मेरा भाई, बहुत बढ़िया, आप कैसे हो ब्रो? कितने राउंड होंगे? हॉक इंद्रा आप बस चेक करो कितने होंगे, देखो आप। हॉक सासुके भाई की टीम, हॉक सासुके भाई की टीम, उनका भी मैच है, उनका भी मैच है, यस ऑफ कोर्स उनका भी मैच है आज। A2 भाई हमको 4-0 से मार दिया, पर अगली बार आई प्रॉमिस यू कि हम जीत के आएंगे, मम्मी कसम। नहीं मम्मी कसम मत खाओ, ऑफ कोर्स यस, ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है बट कसम नहीं खाना चाहिए, कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आप सामने वाले को मार सकते हो, तब तक आप कुछ भी कर लो उसको नहीं मार सकोगे। तो कॉन्फिडेंस इज ए की ऑफ सक्सेस, मैं कह रहा हूं, ठीक है? बट इसको ना ओवर कॉन्फिडेंस में मत बदलने देना, क्योंकि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गलत हो जाता है दोस्तों, ठीक है? बाकी मीनवाइल आई एम ओल्ड हॉक 3 मेंबर अल्फा। अल्फा आई थिंक आई हैव हर्ड योर नेम, मैंने आपका नाम सुन रखा है, चेक करते हैं देखते हैं क्या है, देखते हैं दोस्तों। ला 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 ला। A2 भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया मेरे भाई। A2 सर रिप्लाई नहीं दे रहे आप मेरे चैट का। हॉक MG मेरे भाई बोलिए क्या हो गया, हम कर रहे हैं रिप्लाई मेरे भाई। चलो दोस्तों यहाँ पे टीम को ID पासवर्ड दे दिया गया है,
टीम को आईडी पासवर्ड दे दिया गया है और अब यहां पे टीम मैच के अंदर एंट्री लेती हुई नजर आएगी आप लोगों के सामने। देखते हैं रॉकी गेमर वेलकम टू दिस स्ट्रीम। ब्रो कितने राउंड होंगे? ब्रो 4-0 वाला ये मैच है दोस्तों। सारे बंदे लाइक कर दो, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और मैं कह रहा हूं 70 लाइक्स हो जाएगा ना, चलो कर दो कर दो कर दो, मुझे पता है हो जाएगा। अपनी जनता इतनी खतरनाक है ना कि जस्ट कहने की दे रही है। ऐसे मैं कहता हूं ना, पता है कल मैंने कहा 3-2-1 मारो लाइक भैंस की आंख इसकी, सारे लौंडे एक साथ मिलके लाइक मारे, तो ये होता है जलवा, ये होता है असली मजा दोस्तों। चलो सारे बंदे मिलके ना लाइक ठोक दो दबा के एकदम खूबसूरत तरीके से। चलो 70 लाइक्स करते हैं दोस्तों पूरा। चलिए, और मैंने ना आप लोगों को एक प्यारा सा टारगेट दिया था कि दोस्तों इस मैच के एंड होने तक 50 लाइक्स अपने को चाहिए, और यार कितने ओपी हो गाइस तुम लोग को, जितनी तारीफ करो उतनी आप लोगों की कम है। मैच एंड हुआ और मैंने अभी चेक करा 50 लाइक्स हो चुके हैं, वाओ। अब दोस्तों ये मैच स्टार्ट होने से पहले 70 लाइक्स करते हैं, और ऐसे ही टारगेट जब अचीव करते रहेंगे ना तभी तो मजा आएगा ना मेरी जान। बाय द वे एक मेरा छोटा सा सवाल है आप लोगों से, वो ये है कि क्या आप किसी टीम से खेल रहे हो या आप किसी गिल्ड के मेंबर हो हॉकाई के, ये बताओ हमें चैट में फटाफट से। 300 लाइक में बैज भाई आएंगे क्या? ऑफ कोर्स यस, ये ऑफर आज के लिए भी है, 300 लाइक करिए और बैज 99 आ जाएंगे पक्का। ये ऑफर कल भी था, कल आप लोग सिर्फ 100 समथिंग लाइक कर पाए, 100 प्लस लाइक किया था आपने। मैंने इवन ये तक कह दिया कि 200 कर दो तो भी बुला देंगे, बट आप लोग नहीं कर पाए थे। होप करता हूं एक ना एक दिन आप लोग ये टारगेट हिट करोगे इसी चैनल के ऊपर। मीनवाइल अटेंशन प्लीज देवियों और सज्जनों, कृपया ध्यान दें, आपके सामने मौजूद हो चुकी हैं वो दो टीमें जिनका अब होने जा रहा है मुकाबला। एक तरफ रहने वाली है XG Esports, तो दूसरे तरफ है स्लॉट वन के अंदर जिम रैट्स की ये टीम। जिम रैट्स को रिप्रेजेंट करने आया है प्रणव, रॉयल राज, लूफी 01, राकी 01, वहीं एक्सट्रीम दैट द फाइनलिस्ट ऑफ सीजन 1 यहां पे आ चुके हैं वेदान, दमन, प्रीत XG एंड चिराग यहां पे कहीं ना कहीं मौजूद रहने वाले। सो दोस्तों अब बिना किसी देरी के करते हैं आज के इस तीसरे मैच को प्रारंभ, और देखते हैं हु इज गोना विन दिस मैच, कौन सी वो टीम होगी जो इस मुकाबले के अंदर मचाएगी जलवा दिखाएगी और कहर डाएगी, और कौन बनेगा डॉन इस मैच का, या यूं कह लें टॉप फ्रेगर कौन होगा, या यूं कह लें हु विल बी द MVP। सो लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज द शो टाइम, करते हैं आज के इस तीसरे मैच को प्रारंभ और देखते हैं क्या रहता है इस मुकाबले का अंजाम। बट अगर आपने अभी तक इस स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वो जो लेफ्ट साइड में थम्स अप वाला बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके लाइक करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ठोको सब्सक्राइब मेरा भाई, सब्सक्राइब ठोको फटाफट से, ठीक है। हॉक इश्यू भूल गए? नहीं, मैं किसी को नहीं भूलता हूं मेरे लाल। आप एक साल बताओगे और आप थोड़ा सा भी मेरे नजरों में रहे होगे ना उस टाइम पे, तो मेरे को आपका नाम पहचान में आ जाएगा और मैं याद कर लूंगा हाँ आप वही थे, समझ रहे हो। इसके बाद जो मैच है वो कौन से मैप में होंगे भैया, ये तो मैं नहीं डिसाइड कर सकता, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, बट लाइक्स कितने करने ये आप लोग डिसाइड कर सकते हो। सो दिस इज योर चैनल, दिस इज योर कम्युनिटी, आपके ऊपर है आप इज्जत कितना नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हो, कितना नाम कमाते हो बनाते हो। फिलहाल यहाँ पे राकेश भाई शॉट से शॉट्स मिस कर रहे हैं, सामने वाले बंदे ने जरूर एक शॉट कनेक्ट किया, अगेन राकेश ने बहुत ढेर सारे शॉट मिस करे हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम का एक खूबसूरत कवर आया, राकेश अगेन शॉट मिस कर रहे हैं, देखेंगे इस बार लूफी को, लूफी कहीं ना कहीं सामने वाले बंदे का एम लेने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। रॉयल राज ने एक किल कर दिया यहाँ पे, और बात करो प्रणव, प्रणव टेक डाउन हो चुके हैं, रॉयल राज यहाँ पे एक और बंदी को यहाँ पे टेक डाउन करेंगे, हेडशॉट मार के रॉयल राज खूबसूरत तरीके से, और प्रणव को भी रिवाइव देते हुए नजर आएंगे। बात करो एक्सट्रीम दैट की, तो एक्सट्रीम दैट से सिर्फ चिराग, और ये चेक करेगा इस चिराग अपना वही पुराना गेम प्ले वापस से दोहराते हुए दिखाते हुए नजर आ रहे हैं इस मुकाबले के अंदर। सामने बंदा, क्या एक और हेडशॉट लग पाएगा, बहुत बड़ा सवाल, क्या यहाँ पे चिराग 1v3 क्लच कर पाएगा, बट मुझे लगता है नहीं, चांसेस हैं ओनली 10 vs 90% इसके, देखते हैं। फिलहाल चिराग, चिराग शॉट हुआ मिस, शॉट अगेन हुआ मिस, सामने बंदा चिराग फिर से शॉट में, शॉट में शॉट कनेक्ट, एक हेड शॉट पूरा लाल, दूसरे को भी पूरा लाल, भैंस क्या किसकी, एक नॉक दो नॉक, और क्या यहाँ पे तीन नॉक होगा, क्या यहाँ पे तीन नॉक हो, क्या यहाँ पे चिराग एक और ले लेंगे, यहाँ पे बंदा कंटिन्यू शॉट मिस कर रहा है, चिराग के पास मौका है, क्या यहाँ पे चिराग दो प्लेयर को मार चुके हैं, क्या तीसरे को भी समाप्त करेंगे चिराग, हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है, चिराग को कहीं ना कहीं दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक और हेडशॉट देखने को मिल सकता है, बट गोलियां नहीं लग रही हैं ना सामने वाले की ना ही चिराग की, क्या हो रहा है ये आखिर इस मैच के अंदर, 1v1 का सिनेरियो, चिराग का ये ट्रिपल किल हो सकता है गाइस,
एक नोकिया, दो नोकिया और भैंस की आंख इसकी। चिराग ने कर दिखाया यहां पे पूरे एस। ओ माय गॉड, व्हाट ए खतरनाक गेम प्ले। राउंड वन के अंदर ये एक्सट्रीम डेथ ने कहलाना शुरू कर दिया है दोस्तों। ओ माय गॉड, ओपी इन द चैट, मजा ही आ गया बिल्कुल। फिलहाल फॉक प्रणव, रॉयल राज, लूफी और राकेश बहुत ज्यादा प्रेशर में खेलते हुए नजर आएंगे राउंड टू के अंदर, क्योंकि यहां पे जिस तरीके से एस लगा इनको, अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैंपिंग भी करते हुए नजर आएंगे और देखना होगा कि कैसा गेम प्ले रहता है इनका राउंड टू के अंदर। चिराग अलग ही लेवल का गेम प्ले, चिराग ओपी लगना शुरू हो गया चैट में। एटू भैया मेरे को जानते हो, हॉक किड, यस आई रियली नो यू ब्रो। एटू भाई मस्त कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया आरबी ऋतिक, लव यू। मैं तो कहीं आया ही नहीं था, कोई बात नहीं, लेट्स सी एक बार फिर से देखते हैं चिराग। ओ ये चेक करे गाइस, AWM का शॉट और बंदा नॉक सामने बंदा। एक और शॉट क्या लगेगा, एक और शॉट नहीं लगा, यू मिस आई हिट हो गया बिल्कुल, आई मिस यू हिट हो गया बिल्कुल। और ये चेक करे, ये चेक करे, शॉट पे शॉट, हेड शॉट पे हेड शॉट, ओनली रेड ओनली हेड मारती हुई नजर आ रही है एक्सट्रीम डेथ। बहुत ज्यादा खतरनाक खेल रहे हैं ये खिलाड़ी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक खेल रहे हैं ये खिलाड़ी, अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस, मजा ही आ गया बिल्कुल। ओ माय गॉड, गजब। प्रणव, रॉयल राज, लूफी और राकेश, इनके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। भैया इन टीम्स का क्या क्या नाम है प्लीज आप बता दो। दोस्तों इन टीम का नाम है, देखो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, ये वाली जो टीम है जिसको मैं आप दिखा रहा हूं, हॉक प्रणव, रॉयल राज, लूफी 01, राकेश 01, इस टीम का नाम है जिम रैट्स, ठीक है। ये जो टीम है एक्सजी वेदांत, एक्सजी नवन, प्रीत एक्सजी, चिराग, इस टीम का नाम है एक्सट्रीम डेथ। तो अब आपके ऊपर है, आप कौन सी टीम को सपोर्ट करना चाहते हो, किस टीम के लिए आप शेयर अप करने वाले हो। देखने वाली बात है कि फैन सपोर्ट किस टीम की तरफ ज्यादा रहने वाला है, खिलाड़ी आज किसको करेंगे सबसे खतरनाक सपोर्ट, देखने वाली बात है। क्योंकि देखो आज आप किसी को सपोर्ट करोगे तभी आगे चल के आपको भी कोई सपोर्ट जरूर करेगा, यू नो कर्मा, कर्मा आता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे ये चेक करें, चिराग का एक बेहतरीन शॉट, राकेश के सामने बंदा मौजूद, राकेश ने शॉट मिस कराया, प्रणव सामने बंदा मौजूद, प्रणव यहां पे बंदे को टेक डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। 2-0 की लीड में कहीं ना कहीं यहां पे एक्सट्रीम डेथ की टीम। बात करो अगर जिम रैट्स की तो यहां पे बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में, क्योंकि दो बंदे फिनिश ऑफ हो चुके हैं यहां पे, राकेश भी खत्म, प्रणव भी ऑलमोस्ट खत्म, और 3-0 की बढ़त में एक तरफा खेलती हुई यहां पे एक्सट्रीम डेथ। एंड द गाइज आर स्टिल प्रूविंग देमसेल्फ, हाँ हम ऐसे ही नहीं बने थे सीजन 1 के फाइनलिस्ट। जी गाइस बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहां पे ये जो टीम आप देख रहे हो ना एक्सट्रीम डेथ, ये हमारे सीजन 1 हॉक आईसीएस कप सीजन 1 के फाइनलिस्ट रह चुके हैं, चैंपियंस हमारी गॉड ई स्पोर्ट्स थी और ये थे रनर अप। बट मीनवाइल अब चेक करते हैं गाइस राउंड 4 का ये मुकाबला, क्या ये राउंड इस मैच का लास्ट राउंड रहने वाला है, मैच 3 का क्या ये राउंड आखिरी राउंड रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहां पे सामने प्रणव के बंदे रॉयल राज यहाँ पे स्नाइपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लूफी के पास UMP वेपन, राकेश के पास MP40 देखने को मिलेगी दोस्तों। साथ ही साथ बात करूं तो वेदांत यहाँ पे ऑफलाइन हो चुके हैं, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम के लिए। बैक आज ऑफ फुल कंट्रोल हो गया था, फुल कंट्रोल हो गया था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों, फुल कंट्रोल, रूम ग्लिच है ये वाला, फिर से होगा, फुल कंट्रोल ऑन हो गया था, एक बार मैं कंफर्म कर ले रहा हूँ मैनेजमेंट से, बैक करना है क्या, तभी तो मैं सोचूं इतना शॉट मिस कैसे कर रहा है आखिर राकेश। बट उस फुल कंट्रोल में भी मानना पड़ेगा चिराग को, कितनी बेहतरीन तरीके से हेडशॉट मार रहे हैं यार ये बंदे, फुल कंट्रोल में भी खेल रही है ये टीम। ओके ओके ओके, हम बैक कर रहे हैं ये मैच, ये हम बैक कर रहे हैं दोस्तों, बैक करना पड़ेगा, ये रूम गलत बन गया है। ओ माय गॉड, 3-0 की लीड उसके बावजूद थी कहीं ना कहीं, खतरनाक खतरनाक फाइनलिस्ट। हाँ तो दम तो होगा, फाइनलिस्ट थे तो दम तो होगा बिल्कुल भाई, वही मैं सोचूं गोलियां लग क्यों नहीं रही हैं बंदे की। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे चैट में बताया कि बैक करना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच दोस्तों। फिलहाल मैंने बैक कर लिया और न्यू कस्टम का आईडी पास मेरे पास आता ही होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूं दोस्तों। ओके ओके ओके, रीमैच हो रहा है यहाँ पे, रीमैच होगा यहाँ पे, क्योंकि लोल हो गया दोस्तों, लोल हो गया गाइस। क्या कहना चाहोगे, रिप रूम लिख दो चैट में। अच्छा आप सबके एक वर्ड्स मैं लेना चाहूंगा,
इस कस्टम ग्लिच के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? इमोशनल डैमेज टू एक्सडी ई-स्पोर्ट्स। हाँ भाई, विजार्ड वेलकम टू दिस स्ट्रीम। समीम एफएफ भाई स्वागत है आपका, बीएस गेमिंग स्वागत है। यार आज डेथ गैंग ओपी के बहुत ज्यादा समर्थक दिख रहे हैं चैट में। प्रोनेशन भी खेलेगी क्या? कपिल जाटो प्रोनेशन इस वाले में तो नहीं है, बट अगले में शायद हो सकती है। कौन कौन से गिल्ड का गेम हो रहा है? देव भैया, ये गिल्ड का गेम नहीं है। इस बार जो हॉकाई सीएस कप सीजन 2 हो रहा है, ये हमारे ओवरऑल मतलब सर्वर्स के लिए था, जैसे कि इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, मतलब ये पब्लिक टूर्नामेंट था, ये नॉट ओनली फॉर गिल्ड था, ये सबके लिए था। जैसे कि इंडिया, नेपाल, बीडी, ऑल्सो फॉर पाकिस्तान, पीरू, ब्राजील, इंडोनेशिया, सिंगापुर, हर एक सर्वर के लिए ये इवेंट ओपन था इस बार। तो हर एक अलग अलग कंट्री से लोगों ने रजिस्टर कराया, बट मोस्ट प्रोबली टीम जो है वो इंडिया की ही हैं। सो अभी जो ये मैच आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा एक्सट्रीम डेथ वर्सेस, क्या एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगा जिम रैट्स का मुकाबला, देख लेते हैं। रिप टू माई सेल्फ दादा, इग्नोर कर रहे हैं मेरे को ना, मेरी जान, मैं किसी को इग्नोर नहीं करता हूं पगलो। इतना मुकाबला खतरनाक हो रहा है, तुम सोचो तुम्हारी नजरें हटेंगी क्या इतने खतरनाक फाइट से अगर तुम मेरे जगह होगे। मेरी जान समझा करो और चैट में ऐसे ही कहर ढाया करो, ठीक है? तुम भी दुनिया जैसी वैसे तुम बन जाओ, लोग खतरनाक स्पैम कर रहे हैं, आप भी करो। गिल्ड वॉर करोगे? जग्गू गेमिंग जी बिल्कुल गिल्ड वॉर भी करवाएंगे, मे बी इस सीजन के बाद, समझ रहे हो, हॉकाई सीएस कप सीजन 2 के बाद बिल्कुल करवा सकते हैं, ठीक है भाई। फ्री फायर को कोई भी बंदा बुरा बोल रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, फ्री फायर को कोई बंदा बुरा मत बोलो, क्योंकि यहाँ पे वो रूम मेकर से थोड़ी सी आई गेस गलती हो गई होगी मे बी, क्योंकि यहाँ पे फुल कंट्रोल ऑन होना ऐसे ही नहीं हो जाता है। तो न्यू कस्टम का दोस्तों आईडी पासवर्ड आ चुका है, चलते हैं फटाफट से रूम के अंदर। बट एक मिनट सुन लो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। सारे बंदे ना स्ट्रीम को एक बार लाइक कर दो दोस्तों, बहुत मजा आ जाएगा, प्लीज लाइक कर दो। जितने भी बंदे स्ट्रीम को देख रहे हो सब लोग लाइक कर दो, गो फॉर 80 लाइक्स एवरीबॉडी, गो फॉर 80 लाइक्स दोस्तों फटाफट से, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी दोनों टीमें आ चुकी है, परगेटरी वाला मैप लगा दिया गया है, वही दोनों टीमें एक बार फिर से मुकाबले के अंदर, स्लॉट 1 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। एक सेकेंड, ये गलत टीम घुस चुकी है, ये मैं क्या देख रहा हूं, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे गलत टीम ने एंट्री ले लिया है, बदमाशी किया है लड़कों ने आई थिंक, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं। एक बार इनका चेक कर लेते हैं। चलो गाइस, ये सब तो होता रहता है, टीम्स अक्सर बदमाशी करती हैं, बट कोई बात नहीं, हम थोड़े से आपके चैट भी पढ़ेंगे लगे हाथ। पता नहीं फेस कैम कब होगा दोस्तों, फेस कैम चलो एक ऑप्शन देता हूं, राउंड 3 से करें या राउंड 2 से, राउंड 3 से करें फेस कैम, क्या बोलते हो? फेस कैम कब से किया जाए बताओ, फेस कैम कब करोगे? जब आप लोग कहोगे, जब आप लोग का खतरनाक सपोर्ट आएगा। गो फॉर 70 लाइक्स, बट मीनवाइल दोस्तों यहां पे मुकाबला प्रारंभ हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहां पे। चलो यहां पे दो टीमें आ चुकी हैं, स्वास्तिक स्वरूप, और ये मुझे एक्सट्रीम डेथ का मैच लग रहा था, एक्सट्रीम डेथ का मैच होना चाहिए था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक सेकेंड दोस्तों, चलो दोस्तों लेट्स गो। यहां पे कहीं ना कहीं गलत टीम ने एंट्री ले लिया है, यहां पे टीम्स बदमाशी कर रही हैं और मैं अब इनको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दूंगा।
चलो दोस्तों लेट्स गो। बदमाशी की भी सीमा होती है, मजा ही आ गया बिल्कुल। चलो एक सेकेंड दो मुझे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ए टू वाई मम्मी कसम नेक्स्ट टाइम जीत के आएंगे। मैं इस बार भले ही 4-0 हारा पर नेक्स्ट टाइम आरजी के वही बंदे 4-0 मारेंगे। ठीक है, लगता है तुम्हें तुम्हारी मम्मी से प्यार नहीं है भाई। मुझे इन्फॉर्म गाइस, टीम बदमाश गाइस आ रही है। ये बंदे बहुत बदमाश है, इनका मैच नहीं था, ये पता नहीं क्यों घुस गए यार। कोई बात नहीं, लेट्स गेट इनटू द गेम अगेन गाइस। आओ आओ आओ, गुस्सा ठंडा करते हैं और मैच में आते हैं। कोई बात नहीं, ड्रीम एक्सट्रीम देयर, इट्स ऑल राइट। ओके दोस्तों, द मैच विल बी कंटिन्यू, डोंट वरी। मैच को यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं हम, डोंट वरी। चलो चलो चलो, लेट्स गेट बैक इनटू द गेम। एक बार सारे बंदे ना कुछ अच्छा सा चैट कर दो, जिससे लगे कि हम लोग रिफ्रेश हो गए, जिससे लगे कि हम लोग रिफ्रेश हो गए। कम ऑन एवरीबॉडी, हैशटैग ओपी या फिर हैशटैग हॉकाई 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 या फिर कुछ भी लगा दो हैशटैग, जो तुमको पसंद हो, अभी जो तुम्हारा मन कर रहा है बोलने का तुम वही हैशटैग लगा दो। बट मीनवाइल फिलहाल यहाँ पे हॉकरन और लूफी, राकेश एंड रॉयल राज की टीम कहीं ना कहीं इस मैच के अंदर अच्छा गेम प्ले दिखाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 2-0 की लीड में है ये टीम। अच्छे अच्छे चैट लगा दो। एक्सट्रीम डेथ कहाँ गई? एक्सट्रीम डेथ का मैच अब ऑफलाइन में होने वाला है दोस्तों, एक्सट्रीम डेथ का मैच अब ऑफलाइन में होने वाला है। फिलहाल यहाँ पे राकी 0-1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 किल, लूफी के टोटल 3 किल, प्रांव के 2 और रॉयल राज के 1 किल यहाँ पे रहने वाले हैं। 3 vs 2 का सिनेरियो यहाँ पे, मैन एडवांटेज में इस बार हॉक स्वास्तिक, स्वरूप एंड अनुश्री रहने वाले हैं। और ये चेक करें हेडशॉट, कितना ही ओपी हेडशॉट था मगर उससे कई लेवल खतरनाक था यहाँ पे इनका गेम प्ले, टीम का कोऑर्डिनेशन। 2 vs 3 क्लच। A2Y कौन से ग्रुप का मैच हो रहा है? प्रियांश ठाकुर जी, ये हो रहा है फिलहाल डे 3 का मैच हो रहा है, ये राउंड 1 का ही है बट डे 3 का है। A2ZFire GodYT वेलकम टू द स्ट्रीम। दोस्तों पूरा लाल दिल स्पैम कर दो चैट में, पूरा लाल दिल स्पैम कर दो एकदम भयंकर, और ये गलत तरीके से कमेंट बिल्कुल मत करो। आई एम नॉट गोना रियली टॉलरेट इट, सीधा म्यूट मार दूंगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स करो जिससे मैं खुश रहूं। समझ रहे हो? हाँ हाँ समझ जाओ भाई, मैं कह रहा हूँ बदमाशी नहीं चाहिए अपने को चैट में। चलो अच्छे अच्छे कमेंट करो सारे बंदे, थोड़ा प्यार दिखाओ चैट में फटाफट से, और जितने भी बंदे देख रहे हो लाइक करो सब्सक्राइब करो। A2Army जिंदाबाद। हाँ मेरी जान, हैशटैग मुजू, हैशटैग टीम डेथ। ठीक है फिलहाल मैच देखो, 3-0 की लीड में है टीम। ओके ये चेक करें गाइस, कितने खूबसूरत तरीके से स्वरूप ने एक प्लेयर को टेक डाउन किया था। बट यहाँ पे एक बार फिर से लूपी एंड प्रणव आखिरी के 2 बंदे मात्र शेष रह गए जीवित। यहाँ पे रॉयल राज को भी रिवाइव कर दिया गया है। राकेश की बात करूँ, राकेश अभी भी नॉकडाउन पड़े हैं। राकेश को क्या यहाँ पे रिवाइव मिलेगा ये देखने वाली बात है। अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पे टीम राकेश को रिवाइव नहीं देने आई है। सामने से बात करूँ तो सिर्फ अनुश्री शेष अकेले खिलाड़ी रह गई है जीवित। 1 vs 2 का सीनरियो यहाँ पे अनुश्री के लिए रहने वाला है। राउंड 4, क्या ये राउंड आखिरी राउंड होने वाला है ये देखने वाली बात है। दूसरी टीम आएगी इसलिए जीत एक्सट्रीम XG एक्सट्रीम डेथ आई। ओके ओके, जस्टिस फॉर स्लेयर डेमोन फुल कंट्रोल था। हाँ तो उनका ही मैच हो रहा है मेरी जान, उनका मैच हो रहा है मेरी जान, ये चेक करो ना आप, ये चेक करो, उनका ही मैच हो रहा है। व्हाट आर यू लुकिंग एट? बट मीनवाइल दोस्तों यहाँ पे टीम ने इस मुकाबले को 4-0 के लीड से जीता है और टीम जा चुकी है सीधा अगले राउंड की ओर क्वालिफाई होकर। आई नो इस मैच में बहुत ज्यादा कचड़ा हुआ, आपको थोड़ा ना कुछ समझ में आया ना आप कुछ समझ पाए, बहुत ज़्यादा मिक्स हुआ, टीम ने कहीं ना कहीं बदमाशी भी करी। बट कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती रहती हैं अक्सर लीग राउंड्स के अंदर, राउंड्स मैचेस के अंदर, जब स्टार्टिंग क्वालिफायर राउंड्स होता है उसमें ये सारी दिक्कतें होती रहती हैं। बट तुम एक नाम सुन लो, A2 भाई है ना मेरी जान, ठीक है समझ रहे हो, तो इट्स ऑल राइट, जस्ट चिल गाइस। ठीक है एक सेकंड गाइज, मैं नेक्स्ट टीम को आईडी पास दे रहा हूँ अभी, IDP दो। ओके ऑल द टीम्स, दोज हु आर वॉचिंग माई स्ट्रीम राइट नाउ, प्लीज बी रेडी विद योर प्लेयर्स।
फिलहाल यहाँ पे 4-0 लीड से यहाँ पे टीम ने जीत लिया इस मुकाबले को। जन गेमिंग वेलकम टू द स्ट्रीम, हॉक फाइटर्स वेलकम, स्वागत है भाई आपका। मानस ज्योति भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट कर रही है मुझे, तुम ही लोग तो होगा इस जो मुझे मोटिवेट कर रहा है कास्टिंग करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सासुकी भाई का मैच है वो ऑनलाइन नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, सासुकी भाई का मैच है तो वो ऑनलाइन आ जाएंगे, वो उनकी टीम का प्रॉब्लम है। फिलहाल आईडी पासवर्ड आ चुका है, अब हम चलते हैं रूम के अंदर फटाफट से। लेट्स गो गाइज, लेट्स गो। यहां पे फिलहाल घुस चुके हैं हम रूम के अंदर, इंतजार करेंगे अब टीम का। ए टू वाई नू, अरे दादा रे ये तो धोती खोल रहा है। अबे भाई आई एम प्रो गाइज, आई एम प्रो। कौन बोल रहा है आई एम नू, आई एम प्रो। डेथ गैंग वेलकम टू दिस स्ट्रीम। एक बार ये वाला डायलॉग बोल दो, हाँ मेरी जान। फिलहाल यहाँ पे बेबी बीस टू की टीम आ चुकी है दोस्तों, मैं इनसे एक बार टीम नेम पूछ लेता हूँ। टीम नेम, चलो इन लोगों से टीम नेम एक बार पूछ लिया गया। ए टू वाई ई स्पोर्ट्स का मैच कब है? ए टू ई स्पोर्ट्स का मैच ऑलमोस्ट होने ही वाला है दोस्तों, बस इंतजार है कुछ ही छोड़ो का। लेट्स गो, दोनों का बताओ। X5 गैंग ठीक है, हॉक फाइटर्स ठीक है, हॉक फाइटर्स वर्सेस X5 गैंग, लेट्स गो। रुपेश मेरा भाई थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सुपर चैट, बहुत बहुत शुक्रिया 22 रुपीज के सुपर चैट के लिए। कितने ओपी हो यार तुम लोग गाइस, रुपेश ओपी लगा दो एक बार मेरे कहने पे। सारे भाई भाई को थोड़ा इज्जत दी जाए चैट के अंदर। चलो सालो तुम लोग भी मुझे कैरी मिनाटी जैसा बना दो ना थोड़ा सा, जैसे वो कहता है फिर उसकी पब्लिक पूरी खतरनाक तरीके से वही काम करती है, तुम भी वैसे करो ना। तुम लोग नहीं हो क्या उस तरीके पब्लिक, तुम भी बनो ना भाई थोड़ा सा ओपी वाले जनता। भाई मुझे भी थोड़ा सा चाहिए भाई वो वाला। भाई क्या मैं बोल रहा हूँ। बट मीनवाइल लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे हॉक फाइटर्स को रिप्रेजेंट करने आ चुके हैं हॉक विजार्ड फ्रॉम एक्स वन, हॉक बाजीगर फ्रॉम एक्स वन, गुंजन एंड K4AL पैनल फ्रॉम हॉक फाइटर्स की टीम से। ठीक है वही बात करो अगर सामने तो एक्स फाइव की टीम पूरी नजर आ रही है जिसमें है मिस्टर बीस टू, फ्लैसी, फायर गॉड एंड काकासी। सो बिना किसी देरी के दोस्तों करते हैं आज के इस मैच को प्रारंभ और देखते हैं क्या रहने वाला है इस मैच का रिजल्ट। ए टू इज ए टू, हाँ मेरी जान। हेलो माय फ्रेंड फ्रॉम मीना सर्वर मिस्टर डायनमो FF। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे डायनमो भाई आपको चैट में देखने को मिलेंगे, ये हमारे हॉकाई वन नेपाल सर्वर के लीडर है। ठीक है फिलहाल यहाँ पे फोर एसोल्टर्स का मैच कब है? फोर एसोल्टर्स का मैच आई गेस इसके बाद हो सकता है, मैं एक बार शेड्यूल चेकआउट कर लेता हूँ दोस्तों, जस्ट गिव मी मूवमेंट। मूवमेंट है भाई मूवमेंट है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। और सारे बंदे अपने अपने नाम का हैशटैग लगाओ। फिलहाल दोस्तों इसके बाद आपको देखने को मिलेगा टीम एग्जिस्टो वर्सेज उच्चा ई स्पोर्ट्स, टीम 69 वर्सेज डेथ गैंग, फोर एसोल्टर वर्सेज टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अलायंस स्क्वाड वर्सेज A2E स्पोर्ट्स का मुकाबला। सो लेडीज एंड जेंटलमैन दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज के मैचेस खतरनाक होने वाले हैं। आज के मैचेस मत मिस करना ये मैं कह रहा हूं, बाकी हैशटैग लगाओ दबा के दोस्तों। A2 I knew, लोल भाई ये क्या हैशटैग लगा रहे हो तुम, A2 मेरी जान, हाँ मेरी जान। मुजू हमारा नेम होना चाहिए, अच्छा B2OP ओके, शासुके B2OP। यहाँ पे B2 नाम का हैशटैग लगता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टर B2 ये रहा वो खिलाड़ी जो X5 के तरफ से आया है। A2 इस पेटू, अरे लोल इतना पुराना हैशटैग लेके आया विजार्ड। 2 साल पुराना हैशटैग है ये A2 इस पेटू। जब मैं शुरू शुरू में YouTube पे लाइव करता था तब लोग ये लगा देते हैशटैग A2 इस पेटू। बट मीनवाइल दोस्तों आज के इस मैच का पहला राउंड प्रारंभ हो चुका है, हॉक फिनिशर से विजार्ड बाजीगर गुंजन एंड पैनल, वहीं X5 की ओर से मिस्टर B2 फ्लैश, फ्लैसी एंड फायर गॉड एंड काकासी नजर आ रहे हैं। देखते हैं राउंड वन का क्या सिनेरियो रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे 50 सेकंड का भी अभी वक्त स्टिल है जब यहाँ पे टीम जोन के अंदर क्लोज इन करना स्टार्ट करेंगी। भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे बंदे इतना हैशटैग लगा रहे हो तो A2 गेमर नाम से दोस्तों हाय लिख दे रहा हूँ। चलो बट मीनवाइल यहाँ पे अब देखते हैं क्या रहता है सिनेरियो क्योंकि यहाँ पे अब जोन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। दोनों टीमों के 4-4 खिलाड़ी जोन की तरफ धीरे धीरे क्लोज इन करना स्टार्ट करेंगे, सर्कल के बीच में आना चाहेंगे और उसके बाद ही कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइट प्रारंभ होगी। बट यार अच्छा नहीं लग रहा एक चीज पता है क्या यार, बता दूं 80 लाइक नहीं हुए यार, 80 लाइक करवा दो ना गाइस फटाफट से। चलो
80 लाइक करवा दो, मजा ही आ जाएगा एकदम। चलो चलो फटाफट से देखते हैं। फिलहाल हॉक विजार्ड, बाजीगर, गुंजन एंड पैनल यहाँ पे मौजूद। चेक करें गाइस यहाँ पे हॉक पैनल, हॉक विजार्ड, हॉक बाजीगर, यहाँ पे हॉक फाइटर्स की, हॉक फिनिशर्स की टीम से। और बात करूं तो यहाँ पे पैनल को राइट हैंड साइड से फायर आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बीच में है, बट फायर गॉड को यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड तरीके से टेक डाउन कर दिया गया है। 190 एडवांटेज फॉर टीम X5। और बात करूं बीच टू की, तो बीच टू को भी यहाँ पे काफी ज्यादा लो किया गया है, पैनल लॉकडाउन हो चुका है। गुंजन ने यहाँ पे एक प्लेयर को टेक डाउन किया है, बाजीगर खुद को हील कर रहे हैं, विजार्ड ने यहाँ पे बीच टू को समाप्त किया है। लास्ट मैन ओनली सर्वाइविंग फ्रॉम द टीम साइड, हु इज हॉक फ्लैसी। फ्लैसी को लगा बाजीगर का जोरदार शॉट और यहाँ हुआ प्लेयर समाप्त। राउंड वन गया यहाँ पे हॉक फिनिशर्स के नाम। खतरनाक सीन हो गया यार ये तो, हो जाएगा, लेट्स मेक इट गाइस। मेरी जान, आई नो यार यू गाइस विल हिट 100 लाइक्स, मैं तो 80 कह रहा हूँ, तुम 100 करोगे मुझे पता है। कल का क्या प्लान है A2 भाई? कल तो रामनवमी है, जय श्री राम है, कल देखेंगे कल का प्लान, कल क्या है, विल थिंक ओवर इट। कुछ भी मेरा प्लान पहले से फिक्स नहीं होता है, सम टाइम ओनली फिक्स होता है जब लॉन्ग ट्रिप्स होती है या कुछ स्पेशल बहुत अलग होता है बहुत ज़्यादा, अदरवाइज मैं सेम डे सेम टाइम ही डिसाइड करता हूँ। मीनवाइल यहाँ पे आज का ये दूसरा राउंड इस मैच का लेकर आया है ऑब्जर्वेटरी वाला मैप। हॉक विजार्ड, हॉक बासीगर, गुंजन एंड पैनल आगे की तरफ बढ़ते हुए, कहीं ना कहीं एक राउंड की लीड है इन टीम के खिलाड़ियों के पास। X5 वालों को किक किया था ना, अब देखो कैसे लूज करते हैं, लूज करते हैं, समझा नहीं मैं। X5, अच्छा X5 वालों किक किया था ना, अब देखो। अच्छा अच्छा ड्रेंस गेमर अपना बदला निकाल रहा है, कह रहा है पैस की आंख, तुमने मुझे किक किया, अब तुम देखो तुम कैसे पिटते हो, अब तुम कैसे हारोगे इस मैच को। यहाँ पे कहीं ना कहीं दुआएं तो नहीं है X5 के साथ, बद दुआएं जरूर हैं यहाँ पे। चलो दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, दो हैशटैग हमें लगाने हैं, हॉक फिनिशर्स और दूसरा है X5 गैंग। आप किस टीम के लिए हैशटैग लगाना चाहते हो, इट्स योर चॉइस, टोटली योर चॉइस। चलो लगाओ फटाफट से। बट यहाँ पे जय श्री राम के नारे वन साइडेड लग रहे हैं, कोई बात नहीं। फिलहाल हॉक विजार्ड, बाजीगर, गुंजन, पैनल, देखते हैं कि आप लोग किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हो। फैंस पावर आज किसके तरफ रहने वाला है इस मैच के अंदर। X5 हारेंगे, B2 का पिंग इशू लग रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार B2 को। नहीं, B2 तो है अवेलेबल मैच के अंदर, प्लेसी यहाँ पे है, B2 आगे रश कर रहा है, बल्कि सबसे आगे काकासी यहाँ पे B2 के साथ मौजूद रहने वाले हैं, ये चेक करें आप। आई एम बैक A2 भाई, वेलकम अल्फा बीट SFF, वेलकम माथुर व्लॉग्स, वेलकम प्रभात भाई, वेलकम स्टॉर्म गेमिंग। दोस्तों सारे बंदे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मीनवाइल अब यहाँ पे मिस्टर B2, फ्लैसी, फायर गॉड एंड काकासी, देखते हैं क्या होता है। सामने बात करूं तो पैनल, गुंजन, बाजीगर एंड विजार्ड मौजूद, देखते हैं यहाँ पे फिलहाल क्या रहती है टीम का स्ट्रेटेजी। ऑब्जर्वेटरी वाला राउंड बहुत लंबा खिंचता हुआ, आखिरी तक यहाँ पे कैंपिंग चलती हुई टीम्स के द्वारा। बाजीगर के सामने बंदा सही वक्त रहते, बाजीगर ने लगाई ग्लू वॉल, सामने आ चुका है बंदा, क्लोज इन हुआ और खाएगा बंदा शॉट गंदा और हो जाएगा नॉक, बट बाजीगर को बहुत ज्यादा लो किया उस खिलाड़ी ने। विजार्ड भी काफी ज्यादा लो है। पैनल की बात करूं तो यहाँ पे पैनल कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट B2 और काकासी अकेले B2 जोन में समाप्त हो जाएंगे और काकासी तो नॉकडाउन हो ही गए हैं, मतलब कि राउंड 2 भी गया यहाँ पे हॉक फिनिशर्स के खाते में। दोस्तों चैट पढ़ लेते हैं, मेरा नेट गया A2 भाई, हॉटस्पॉट ओपन कर दो। अच्छा अच्छा, अरे टिंटू हॉटस्पॉट खोल दियो, खुल गया खुल गया। फोर एसोल्टर्स का मैच हो गया क्या? नहीं ब्रदर, फोर एसोल्टर्स का मैच इसके बाद या फिर इसके बाद पढ़ सकता है, देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे हैशटैग हॉक फिनिशर्स, हैशटैग X5 गैंग, हॉक फिनिशर, हैशटैग X5 गैंग, उसी बीच बीच में फोर एसोल्टर्स का भी हैशटैग लगता हुआ नजर आ रहा है, जय श्री राम का भी हैशटैग लगता हुआ नजर आ रहा है। लड़के तो आज बिल्कुल डिस्टर्ब हो रखे हैं, इतना खतरनाक सपोर्ट दिखा रहे हैं। यही सपोर्ट चाहिए दोस्तों, बस यही सपोर्ट यार, एक दिन देखना नाम होगा सबका बहुत खतरनाक, पता है अलग ही लेवल का। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे, फिलहाल हॉक विजार्ड, बाजीगर, गुंजन एंड पैनल, हमें ना ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देना है ना दोस्तों कि ई स्पोर्ट्स में ना सबसे ज्यादा नाम किसी का है ना, तो वो आए हॉकी ऑफिशियल का, ठीक है। इस गदर लेवल का आपको सपोर्ट दिखाना है दोस्तों, समझ रहे हो, इस गदर लेवल का आपको सपोर्ट दिखाना है कि ई स्पोर्ट्स, अच्छा हॉकी ऑफिशियल, अरे हम तो जानते हैं, हम तो खेलते हैं, हमने तो स्ट्रीम देखी है, ऐसा पावर बनाना है, ठीक है ना दोस्तों। मैंने तो पूरा ठान लिया है और मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूं आपको, वो दिखाई भी दे रहा होगा, सुनाई भी दे रहा होगा, बट आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है।
फिलहाल देखते हैं यहाँ पे विजार्ड के पीछे आ चुका है बंदा। विजार्ड को लगा है झटका जोरदार शॉट और बंदे ने विजार्ड को उठा के है पटका। और अब थोड़े बंदे के शॉट्स पे भी फोकस करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे जब मैं जिसको दिखा रहा हूँ वो पिटर है, पिटे ही जा रहा है बस। अब बीस टू को दिखा रहा हूँ, बीस टू नॉक हो गया। देखो अब फायर गॉड को दिखाते हैं, फायर गॉड को दिखा रहा हूँ इस बार। चलो फोर एसॉल्टर्स का मैच हो गया क्या A2 भाई? नहीं ब्रो, फिलहाल यहाँ पे फायर गॉड बहुत ज्यादा लो किए हैं सामने वाले बंदे को। आखिरी बंदा यहाँ पे पैनल मौजूद है जो कि खुद को हील अप करते हुए नजर आ रहा है। फायर गॉड यहाँ पे ग्लूअल लगाएंगे और सामने वाले बंदे पे एम करके स्टिल खिलाड़ी मौजूद है। 60 का डैमेज दिया है यहाँ पे, 1v2 का सिनेरियो। फ्लैश के नीचे है, सामने यहाँ पे फ्लैश के बंदा है, पैनल यहाँ पे रहने वाले। पैनल बहुत ज्यादा लो कर दिए गए हैं यहाँ पे। फायर गॉड ऊपर से शॉट पे शॉट्स लगाए जा रहे हैं, इस बार शॉट मिस कर रहा है। अगर ये शॉट कनेक्ट हो जाता तो कहीं ना कहीं प्लेयर फिनिश ऑफ हो जाता। बट यहाँ पे 2-0 की लीड में कहीं ना कहीं है टीम अभी भी मौजूद। क्या इस बार यहाँ पे एक्सपायर गैंग कंगा है? ओ माय गॉड, क्या ये सही है? हॉक फ्लैसी ने एस मार दिया और लिटरली मैं नोटिस तक नहीं कर पाया भाई साहब। A2 भाई फायर गॉड को पिटवाना चाहते हैं। जब तक आकाश गंगा रहेगा तब तक फैंटेस्टिक फोर का नाम रहेगा। ये कुछ नया देखने को मिला है अब तक। अब तक 3 दिनों की स्ट्रीम में ऐसी लाइन हमें पहली बार देखने को मिल रही है। क्रिएटिव लोग्स बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, बट देखते हैं अब एक को देख के और कितने लोग अपना जलवा दिखाते हैं चैट में, कितने अच्छे अच्छे चैट्स आते हैं। हमें इंतजार है अच्छे लोगों का, अच्छे चैट्स का। चैट तो मैं कंटिन्यू देखता ही रहता हूँ, बट मीनवाइल लेट्स सी। फ्लैसी ने एस मारा यार, मैं देख नहीं पाया। फ्लैसी भाई ने एस मारा, देखते हैं। बिस्टू की हालत खराब, हाँ भाई 0 kills। फायर गॉड डैमेज बहुत दे रहा है, एक बार स्कोर बोर्ड देख लो फटाफट से दौड़ के तुम लोग। 2-1 की लीड में कहीं ना कहीं अभी भी हॉक फिनिशर्स की टीम। डायनमो भाई लिख रहे हैं जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं रहूंगा। फायर गॉड हमारे गिल्ड का खतरनाक स्पैमर है भाई साहब। इसको मैं तारीफ समझू या बेइज्जती? इसको मैं तारीफ समझू या बेइज्जती समझू दोस्तों? फिलहाल देखते हैं यार ये राउंड 3 जिस तरीके से एस मारा है यहाँ पे फ्लैसी ने, उससे कहीं ना कहीं फिनर सर्स थोड़े से अब रुक के खेलते हुए नजर आएंगे। फ्लैसी मेरा बेटा ओपी, अरे भाई भाई भाई, अर्पण भाई लिख रहे हैं फ्लैसी बेटा ओपी। हॉकाई X1 ही जीतेगा, मतलब ये वाली टीम। ठीक है देखते हैं। फिलहाल विजार्ड पे हमारी नजरें हैं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये पुराना वाला विजार्ड है, मूवमेंट देख के पता चल रहा है मुझे। एंड बाजीगर भी पुराना वाला ही है। गुंजन एंड पैनल को चेक करेगा इस यहाँ पे। पैनल जोन की तरफ धीरे धीरे क्लोज इन करते हुए नजर आ रहे हैं। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ बंदे मौजूद कहीं ना कहीं यहाँ पे पैनल के। और अब गुंजन भी यहाँ पे बंदे के इंतजार में मौजूद हैं। यहाँ पे बात करूँ मिस्टर बीस्टू की तो बीस्टू वॉल लगा रहे हैं। फायर गॉड ऊपर से बंदे को डैमेज देते हुए जा रहे हैं। फ्लैशी यहाँ पे बंदे के मुंह पे खड़े हैं और काकसी, मुझे ऐसा लग रहा है हॉक फिनिशर्स यहाँ पे पिट सकती है। बट नहीं, बाजीगर वेट ए मिनट, बाजीगर यहाँ पे सेंटर ऑफ द जोन आ चुके हैं बिल्कुल, और विजार्ड भी उनके साथ मौजूद। और यहाँ पे बाजीगर को बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया यहाँ पे फायर गॉड ने कहीं, बट फ्लैशी को चेक करें गाइस, फ्लैशी को इस बार चेक करें। बीस्टू का यहाँ पे खाता खुल चुका है, बीस्टू ने एक किल कर दिया। फ्लैशी के सामने बंदा मौजूद, फ्लैशी का यहाँ पे नजर आता है पीछे से घुसता हुआ। फ्लैशी शॉट लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार, बट बंदा पहले ही हो चुका है नॉक। बीस्टू यहाँ पे चेक करेंगे, बीस्टू फायर गॉड के सामने बंदा शॉट लगाए 60 का, एक बहुत ही गंदा। देखते हैं सामने बंदा मौजूद और यहाँ पे काकासी का फाइनल शॉट, 2-2 बराबर स्कोर होता हुआ यहाँ पे हॉक फिनिशर्स वर्सेस कौन सी वो दूसरी टीम थी बताना जरा फटाफट से। अरे मुझे याद है, आप लोग बताओ आपको याद है? चलो मैं ही बता देता हूँ, X5 गैंग। ठीक है भूल मत जाओ, इसीलिए कह रहा हूँ बार बार हैशटैग लगाओ। फिलहाल देखते हैं दोस्तों, लव फ्रॉम नेपाल हॉक एक्स स्पेशल BD हॉक 1 से हूं मैं। वाओ बहुत अच्छा लगा, नेपाल से भी लोग हमें देख रहे हैं गाइस। नेपाल ओपी इन द चैट। X5 नूब ऑलवेज नूब, अरे भाई ए नूब इज ऑलवेज अ नूब, ऐसा लिखना चाहिए था आपको, मैं आपके साइड हूँ। चलो मेरे साथ इंसाफ हुआ है, नहीं ना इंसाफी हुई है, ऐसा कहता है ना वो वाला एक मीम वायरल हुआ था बीच में। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे अगला राउंड स्टार्ट हो चुका है, बहुत मजाक हुआ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। क्या फैंटास्टिक फोर का जलवा। यहाँ पे सैम ऊंची भाई बहुत ओपी चैट करते हुए नजर आ रहे हैं, मजा ही आ गया। X5 गैंग ओपी, बीस्टू ओपी लगता हुआ चैट के अंदर। फिलहाल हॉक बीस्टू यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बंदा, बीस्टू के यहाँ पे शॉट लगाने का प्रयास किया, बीस्टू ने शॉट को किया मिस, कहीं ना कहीं सामने बंदा मौजूद, लगेगा शॉट, ओपी हेडशॉट और बंदा होगा नॉक।
बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पे 22 का, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्लैसी एंड काकासी को फिनिश ऑफ दे दिया गया। ओनली लास्ट टू मैन मिस्टर 22 एंड फायर गॉड आर स्टिल सर्वाइविंग इन द मैच। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे विजार्ड, बाजीगर एंड गुलजन ओनली 3 खिलाड़ी रह गए मात्र इस मुकाबले के अंदर जीवित, जो यहां पे अब इस मैच के अंदर अपना जलवा दिखाने वाले हैं। देखते हैं विजार्ड, बाजीगर एंड गुंजन। यहां पे कस्टम ग्लिच हो रहा है क्या, समझ में नहीं आ रहा। X5 क्राइंग इन द कॉर्नर, नो ब्रो दे आर डिफीटिंग द एनिमीज। बहुत ज्यादा टक्कर का फाइट होता हुआ, बट यहां पे कहीं ना कहीं गेम ग्लिच हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं इसके बाद रीस्टार्ट करना चाहूंगा। फिलहाल यहां पे फायर गॉड अकेला, 1v2 का सिनेरियो फायर गॉड के लिए। चलो फायर गॉड, दिस इज योर टाइम, दिस इज द शो टाइम, दिस इज टू प्रूव, दिस इज द टाइम टू प्रूव अप योरसेल्फ। दिखाओ यहां पे अपना स्पैमर कैसे हो आप, देखते हैं। फिलहाल सामने बंदा यहां पे फायर गॉड के शॉट लगा सकता है, फायर गॉड यहां पे जोन कहीं ना कहीं, लेकिन सामने वाले खिलाड़ी के पास गए, फायर गॉड के पास जोन नहीं रहने वाला है मौजूद, और इसका डिसएडवांटेज भी इनको हो सकता है। फिलहाल सामने से बंदे चार्ज बस्टर भी चला रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है शायद, आवाज तो ऐसी आई है बट नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चार्ज बस्टर, मेरी कानें धोखा नहीं खा सकती। फिलहाल चेक करते हैं, 2v1 सामने बंदा हो जाएगा खत्म, हॉक फिनिशर 3-2 की लीड में। आपको गन साउंड तो अच्छा आ रहा है ना दोस्तों, एकदम बढ़िया? नहीं आ रहा तो बताओ एक बार चैट में, अच्छा आ रहा है क्या गन साउंड, या बढ़ा दिया जाए बताओ एक बार। गन साउंड और मेरा साउंड ओके ओके है ना दोनों, कुछ चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, एक बार बता दो चैट में। पावर दिख गया जी गाइस, बिल्कुल। फिलहाल 80 लाइक से हम सिर्फ 2 लाइक दूर है। जितने भी मेरे भाई देख रहे हो स्ट्रीम को, वो जो लेफ्ट साइड में थम्स अप वाला बटन है उस पर क्लिक करके सारे बंदे लाइक कर दो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। फिलहाल देखते हैं अगले राउंड के लिए, टीम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। और आई नो ये मैच थोड़ा सा अलग लेवल का जाता हुआ नजर आ रहा है, 3-2 की यहाँ पे स्कोर हो चुकी है, बट सामने बंदा मौजूद है यहाँ पे, विजार्ड का शॉट लग सकता था बंदे को, बट कहीं ना कहीं लेट मूवमेंट और शॉट किया है, यहाँ पे अनुमान नहीं लगाया था विजार्ड ने कि सामने ऐसे बंदा आएगा, बट यहाँ पे चेक करेगा इस किस तरीके से बाजीगर को यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया है। वन मैन डिसएडवांटेज फॉर हॉक फिनिशर्स, और क्या इसका फायदा मिलेगा यहाँ पे टीम X5 गैंग को, क्या इसका फायदा मिलेगा टीम X5 गैंग को। यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवाइव मिल चुका है अब बाजीगर को, और अब देखने वाली बात होगी कि रिवाइव के बाद ऑल मैन एडवांटेज होने के बाद क्या कमबैक करेगी एक बार फिर से यहाँ पे टीम, या यहाँ पे X5 गैंग इस मैच को, इस राउंड को पहले अपने नाम जीत के 3-all का करेगी स्कोर, देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पे कस्टम ग्लिच थोड़ा सा होता हुआ नजर आ रहा है, पता नहीं क्यों आपस में लड़ते हैं हॉक के सारे गिल्ड्स, एक ही तो है, कोई नहीं लड़ता ब्रो, कौन लड़ता है। अरे ऑब्वियस सी बात है जहां 10 लोग रहेंगे वहां थोड़ा नोकझोंक होता रहेगा, बट भाईचारा प्यार तो बना ही है इनका सब आपस में। बट फिलहाल यहां पे बाजीगर के लिए 1v2 का सिनेरियो, मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि 3-all का स्कोर होने वाला है फिलहाल, क्योंकि बाजीगर अकेला सामने 2, 1v2 का सिनेरियो, चार बस्टर इनके हाथों में, यहां पे शॉट लगाने का प्रयास किया, बैक ऑफ करता हुआ यहां पे कहीं कहीं बाजीगर, और यहां पे चार्ज बस्टर यूएमपी इनके पास मौजूद, देखते हैं कैसा रहता है सिनेरियो। ग्लू वॉल तोड़ना है कि नहीं, ग्लू वॉल तोड़ सकते हैं ब्रो, ग्लू वॉल तोड़ने में क्या है, ग्लू वॉल तोड़ने में क्या है, ग्लू वॉल तोड़ो मारो बंदे को पकड़ के, क्या दिक्कत है। बाजीगर 1v4, नहीं नहीं ब्रो 1v2 है फिलहाल, और बाजीगर के पास जोन का एडवांटेज रहने वाला है इस बार। चार्ज बस्टर यहाँ पे चार्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, बाजीगर सामने बंदा मौजूद, यहाँ पे डैमेज देने का प्रयास किया है मगर सफलता नहीं लगेगी, हाथ यहाँ पे बॉडी बॉडी दे बॉडी भर किया है बाजीगर ने, और एक बंदे को किया है टेक डाउन। नाउ इट्स टाइम फॉर 1v1 सिचुएशन, और यहाँ पे अब बाजीगर का रश, बाजीगर का रश, बाजीगर का क्लोज इन, यहाँ पे शॉट लगा तो है जरूर किसी को, मगर ये शॉट था 22 का, और कम बैक हुआ है बहुत ही खतरनाक यहाँ पे X5 गैंग का। मतलब कि स्कोर क्या हो गया, बताओ 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 स्कोर क्या हो गया, क्या कह रहे हो, दिखाई दे रहा है जी गाइस बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंस फाइट होती है क्योंकि 3-all का हो चुका है टोटल स्कोर। A2 भैया, विकास भैया के ऊपर 2 लाइन, सबसे पहली लाइन कि विकास भाई को डिस्कॉर्ड का नॉलेज बहुत अच्छा खासा है जहां तक मुझे पता है, और दूसरी बात ठीक है स्टाफ को काफी अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, बाकी तो इतना मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ, सो नो आइडिया अबाउट इट, बट मीनवाइल लेट्स गो गाइस। अगर आपको उनकी कोई खासियत पता है तो मुझे जरूर बताना, हाँ कोई भी पॉइंट ऐसा जो मुझे ना पता और मुझे पता होना चाहिए तो आप लोग अपने लीडर्स की तारीफ चैट में कर सकते हो। बट मीनवाइल सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप कौन से गिल्ड के बंदे हो, चैट में बताओ। फिलहाल आज के इस मैच का ये लास्ट राउंड, कहीं ना कहीं विजार्ड, बाजीगर, गुंजन एंड पैनल
देखते हैं विजार्ड बाजीगर गुंजन एंड पैनल यहाँ पे स्कोर बोर्ड की बात करो तो कहीं ना कहीं 3-all का हो चुका है स्कोर, दोनों टीमें एकदम बराबरी पे। हॉक फिनिशर 3 पॉइंट, तो वहीं यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स फाइव गैंग भी 3 पॉइंट के साथ मौजूद। मिस्टर बीस्ट 2 की बात करो तो यहाँ पे अपने आप को होल्ड करके रखे हैं, फ्लैशी भी यहाँ मौजूद, फायर गॉड भी जीवित हैं और ACAT लेके फायर गॉड यहाँ पे अच्छा शॉट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे ऊपर कुछ कमेंट्री, आई थिंक एक्स फोर के प्लेयर कहीं ना कहीं अभी मेरी नज़रों में और इवन पूरे हॉकाई की नज़रों में काफ़ी नए हैं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें हम अभी जानते भी नहीं हैं, तो वक्त के साथ साथ हम जान जाएंगे, बट कुछ तो हैं जो बहुत बढ़िया खेलते हैं। बट मीन ऑयल यहाँ पे फ्लैसी, यहाँ पे हॉक फिनिशर्स ने अपना एक खिलाड़ी खो दिया है। आई नो ये थोड़ा सा मज़ेदार गेम नहीं रहा, आप देख नहीं पा रहे हो टाइमली क्या एक्शन हो रहा है, क्योंकि एक्शन पहले रिएक्शन बाद में हो रहा है। बट लेट्स सी बाजीगर गुंजन पैनल क्या सिचुएशन रहता है, क्या सिनेरियो रहता है इनका। एटू भैया अपने ऊपर 2 लाइन, चलो मैं कहता हूँ मेरे ऊपर एक एक लाइन आप लोग बोल दो, मैं कह रहा हूँ मेरे ऊपर अब एक एक लाइन आप लोग ही बता दो। दोस्तों यहाँ पे एक्स फाइव गैंग ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है, एक्स फाइव गैंग ने इस मैच को अपने नाम किया है, बहुत बहुत बधाई हो यहाँ पे टीम एक्स फाइव गैंग, आप सीधा सीधा क्वालिफाई हो चुके हैं अगले राउंड के लिए दोस्तों। जी हाँ, आप सीधा सीधा क्वालिफाई हो चुके हैं अगले राउंड के लिए, एंड ये राउंड बहुत ओपी था, मजा आया गेम देख के, कहने का इंटेंस फाइट थी, 3-all का स्कोर हुआ और लास्ट राउंड आप अपने नाम करके जीत चुके हैं। टॉप रैगर रहे हैं यहाँ पे मिस्टर बीस्ट 2, 5 किल, काकासी 5 किल, 4 किल, फ्लैसी एंड फायर गॉड का 1 किल, बट कवर बहुत ज्यादा लाजवाब कहीं ना कहीं। वहीं सामने बाजीगर विजार्ड गुंजन पैनल, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं था, अच्छे एफर्ट लगाए खिलाड़ियों ने, लास्ट में कहीं ना कहीं किस्मत कह लें या कोऑर्डिनेशन कह लें थोड़ा साथ नहीं मिला, इस कारण से कहीं ना कहीं टीम को मिली है मात। बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम टीम हॉक फिनिशर। बट दोस्तों अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले मैच की ओर, एंड उतने में मैं एक बार मैच को रीस्टार्ट कर लेता हूं, ठीक है, मैं एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूं दोस्तों, ताकि किसी भी प्रकार का कोई सीन ना क्रिएट हो, ठीक है, अदरवाइज क्रैश हो गया ना अगर बीच में तो बहुत दिक्कत होती है, पता है आपको। चलो लेट्स गो, चलो मैं एक बार फटाफट से रीस्टार्ट कर लेता हूँ, रीस्टार्ट हो जाएगा आज, लग तो नहीं रहा, अच्छा हो जाएगा, चलो शुक्र है, चलो 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 हो जाएगा, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, ला 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 ला। चलिए गाइस शुरू करते हैं, चलो गाइज यहाँ पे फटाफट से अब एंट्री लेते हैं, एक्जिस्टो वर्सेस एलएस की टीम का मैच है, एंट्री ले लेते हैं एक बार रूम के अंदर फटाफट से। चलो आ चुके हैं रूम के अंदर हम बहुत ही ओपी वाले तरीके से, जितने भी बंदे स्ट्रीम देख रहे हो गाइज सब लोग लाइक कर दो, जिसने भी देख बट मीन वाइल एक्स फाइव यू गाइज रियली प्लेड वेल, कहीं ना कहीं मैं आपके अच्छे मूवमेंट्स कैप्चर नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट इसमें मेरी भी गलती नहीं है, ये गेम का ग्लिच हो रखा था उसमें, आपने नोटिस करा होगा ये कस्टम पे, तो मैं अच्छे मूवमेंट्स आपके उतने कैप्चर नहीं कर पाया, बट फिर भी आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। SD भैया के लिए 2 लाइन, यार SD भाई तो सबसे बहुत पुराने बंदों में से एक है, SD भाई तो बहुत पुराने बंदों में से एक है, बट साल नो मेरे लिए तुमने क्या एक एक लाइन बोला ये पहले बताओ, सबसे अच्छे कास्टर हो भैया आप, अरे मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया यार, लव यू ऑल। फिलहाल आप देखते हैं, देखते हैं पूरा फैला दो ना मीटू भाई का फिर चलो मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये क्या हो रहा है। फिलहाल रोशन, केतन, अंकित एंड स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते हुए, यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा, क्या फैंटेस्टिक फोर का जलवा, कोई नहीं यूट्यूब भाई यू आर द बेस्ट, आई एम सो सॉरी बट कोई ना यार इट्स ऑल राइट। चलो फिलहाल क्यूट पायल, मोहित जॉर्ड, नोबिता और एक्सीरेन आगे की तरफ बढ़ते हुए सभी खिलाड़ी, भाई ये नहीं ठीक होने वाला पता है आपको, ये अब ग्लिच हो गया, अब नहीं ठीक हो रहा। A2 डोरेमोन फ्री फायर वेलकम, A2 भाई OP बहुत बहुत शुक्रिया, स्पैम कहाँ कर रहे भाई, कौन कर रहा है स्पैम, क्या हुआ, करो ना स्पैम, क्या दिक्कत है, स्पैम करो नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्या हो गया, अरे ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये मेरे ही साथ हो रहा है या सबके साथ हो रहा है, भाई OP यार आप कमेंट्री गॉड हो, अरे मेरी जान, गॉड नहीं है बट अच्छा कर लेते हैं, ठीक ठाक कर लेते हैं। एक सेकंड को
अब क्या सासुके भाई का था क्या मैच है? सासुके का मैच इसके बाद है आई गेस। सासुके का मैच इसके बाद है, इस मैच के जस्ट बाद है सासुके का मैच। नेट लैग हो रहा है? नहीं, नेट तो लैग नहीं हो रहा है। बिग फैन सर जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग डियल। ले भैया मैच शुरू होते ही खत्म हो गया, कैप्चर ही नहीं कर पा रहे मूवमेंट। नेट तो ठीक चल रहा है, 18-19 की पिंग है। ये कस्टम कस्टम का भी ग्लिच नहीं है। एक बार मैं बोल देता हूँ वैसे फॉर्मेलिटी में कि रूम दोबारा बनाना इस बार। रुको मैं एक बार बोल देता हूँ, मैं एक बार बोल देता हूँ, एक बार मैं बोल देता हूँ, एक सेकेंड। दोस्तों अगले जो दो मैच होने वाले हैं ना वो अब तक के सबसे वेटिंग मैच में से एक है। पब्लिक को इन दो मैचेस का बहुत इंतजार था कहीं ना कहीं, क्योंकि इन दो मैचेस के अंदर एक का मुकाबला होगा फोर असोल्टर्स वर्सेस टर्मिनेटर्स ई स्पोर्ट्स, और वहीं दूसरी टीम जो रहेगी वो रहेगी अलायंस स्क्वाड वर्सेस ए टू ई स्पोर्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मैचेस बहुत ज्यादा अब तक के अवेटिंग मैचेस में से एक रहने वाले हैं, दो रहने वाले इनफैक्ट, और बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है इन दोनों मैचेस के अंदर। मैं बस कोशिश करूंगा कि अच्छे मूवमेंट्स इन दोनों मैचेस के कैप्चर कर पाऊं। यहां भी होगा वहां भी होगा, यस ब्रदर। दोस्तों सारे भाई लाइक कर दो, 47-50 की वॉचिंग ऑलमोस्ट आ रही है, सब लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को फटाफट से। अब मैं चलो पूरा फोकस करता हूँ गेम के ऊपर। फिलहाल रोशन, केतन, अंकित, वाईटी एंड स्टूडेंट यहाँ पे अब तक ड्रॉप पैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे स्टूडेंट भाई 3 किल के साथ। वहीं बात करूँ अगर सामने वाली टीम की, पता नहीं क्या तो नाम था इनका यार, नाम भी अजीब गरीब है इनका। कुछ अच्छी ई स्पोर्ट्स कुछ करके, ऐसे उचाची ई स्पोर्ट्स कुछ करके इनका नाम है। ये वाले भाइयों के तो अभी खाते भी नहीं खुले हैं, बट 1-0 की लीड में टीम एग्जिस्टो इस वक्त मौजूद है, और देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है इस मुकाबले का। वैसे टीम 69 गैंग वर्सेस डेथ गैंग का भी मैच है इसके बाद, देखते हैं। यहां पे फिलहाल टीम एग्जिस्टो को दो बड़े झटके लगे हैं, केतन एंड अंकित ओनली लास्ट टू मैन आर सर्वाइविंग फ्रॉम द टीम साइड। क्या लिख रहे हो X5 भाई, समझा नहीं भाई, आपका ग्लिच हो रहा है। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है ब्रो, मुझे भी ऐसा लग रहा है। अगर मैं अभी वाईफाई वाले को कॉल कर दूं तो ऐसा ना हो कहीं वो गड़बड़ी कर दे, इसलिए मैं कॉल करके रिस्क नहीं लेना चाहता। तो यू गाइज प्लीज एंजॉय इन दिस वन ओनली, ओके। 2-0 के लीड में फिलहाल टीम एग्जिस्ट हो। यहाँ पे पिंग तो ठीक जा रहा है, देखो 17-18, बट 302 अचानक से हो जा रहा है ना, वहीं पे दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। कहीं पे बना रहे होंगे ये लोग वाईफाई, एक बार मैं देख लेता हूँ, एक बार मैं उसको रिकॉर्डिंग ही दे देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हुए फिलहाल सभी खिलाड़ी, चलो अब तो सही चल रहा है, मैं सबूत रिकॉर्ड करने लगा। तो फिलहाल रोशन भाई को देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों रोशन भाई फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे टीम एग्जिस्टो की ओर से, वही क्यूट पायल सामने वाली टीम उचाची ईस्पोर्ट्स की तरफ से, मोहित जॉर्ड उनके साथी खिलाड़ी, नोबिता यहाँ पे मौजूद। आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ ब्रदर, मैं यूपी से हूँ भैया। सही से स्ट्रीम नहीं हो पा रही है, एक मिनट फिर मैं ऑफलाइन करवा दूँ क्या मैचेस? मैचेस ऑफलाइन करवा दे दोस्तों, रुको मैं एक बार पूछ लेता हूँ। गाइस सारे भाई लाइक कर दो फटाफट से जितने भी देख रहे हो। चलो अब शायद थोड़ा सा ठीक चलने वाला है। नहीं, लाइव पर करो भाई, ठीक है ठीक है, ऑन पब्लिक डिमांड लाइव ही होगा। चलो सारे भाई लाइक कर दो फिर इसी बात पे। अरे अब ठीक हो गया, थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ा थोड़ा। चलो ये अक्सर हो जाता है गाइस, ये कोई फिक्स नहीं है। देखो वाईफाई का सीन है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चीज़ों में कोई भी गारंटी नहीं रहती किसी चीज़ की, कब खराब हो जाए, यू नो। लाइव पर करो भाई, लाइव पर करो, जैसे होगा सह लेंगे थोड़ा सा। अरे मेरी जान क्या बात है, सही है टू भाई, उतना ही गंदा नहीं चल रहा। ठीक है फिर, ठीक है ठीक है फिर, ठीक है फिर। चलो 2-0 की लीड में कहने के टीम एग्जिस्टो इस वक्त मौजूद यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं।
रोशन भाई के 1 किल, केतन भाई के 2, अंकित भाई जी के 2 और एक्स स्टूडेंट भाई के टोटल यहाँ पे 3 किल मौजूद रहने वाले हैं। साथ साथ बात करूँ सामने तो कहीं ना कहीं टीम थोड़ी सी घबरा चुकी है क्योंकि यहाँ पे अब एक्सीरेन भी नॉक हो चुके हैं और पायल भी। अब मोहित और नोबिता आखिरी 2 खिलाड़ी मात्र मौजूद इस मुकाबले के अंदर। यहाँ पे मोहित एक प्लेयर को खूबसूरत तरीके से किक डाउन किया, दूसरे प्लेयर को भी पूरा लाल नंबर जड़ दिया है और एक और बंदे को नॉक करने का प्रयास करते हुए मोहित जॉर्ज, मगर सफलता नहीं लगेगी हाथ और 3-0 की लीड में कहीं ना कहीं यहाँ पे टीम एग्जिस्ट हो। क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पे एक बाहरी टीम एग्जिस्ट हो यहाँ पे राउंड 1 जीत के सीधा राउंड 2 के लिए क्वालिफाई होने वाली है क्या? यस और नो, व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो लग रहा है यस, बट लेट सी क्या ये राउंड इस मैच का लास्ट राउंड होगा या देखते हैं। हॉक लॉर्ड वेलकम टू द स्ट्रीम, समीम एफ वेलकम भाई। दोस्तों चैट को बिल्कुल रुकने मत दो, किसी को झुकने मत दो, मचाओ जलवा दिखाओ कह डाओ और आग लगाओ सारे बंदे, क्योंकि चैट भगेगा तभी A2। अरे लोल, ये क्या मैंने मीम बना दिया खुद का ही, यू नो आगे की राइमिंग क्या बनती। बट फिलहाल रोशन, केतन, अंकित, वाईटी और स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद, क्यूट पायल, मोहित और नोबिता एंड इरेन 3-0 की लीड में फिलहाल टीम एग्जिस्ट हो। आखिरी मौका है ये फिलहाल यहाँ पे ऊंचाची ई स्पोर्ट्स को कमबैक करने का। अगर इस राउंड में यहाँ पे टीम कमबैक नहीं करती है तो इस मुकाबले से हो जाएगी बाहर, इस सीजन से हो जाएगी बाहर, क्योंकि ये चल रहा है नॉकआउट मैच और नॉकआउट मैचेस के अंदर का नियम यही होता है कि आप खेलते हैं एक मैच और उसके बाद आप जीते तो अंदर, हारे तो बाहर, सीधा सिंपल एंड स्वीट। मीनवाइल वेटिंग फॉर टीम 69, वेटिंग फॉर टीम 69। ओके ओके, ऊंचाची है भाई। अच्छा, ऊंची हा किसकी चाची? ऊंचाची। चैट लिस्ट स्पैम करो। ओके चलो फिलहाल देखते हैं यहाँ पे रोशन भाई 1 किल के साथ, केतन भाई 4 किल और स्टूडेंट की बात करूँ तो 5 किल के साथ ये खिलाड़ी फिलहाल इस मुकाबले के अंदर मौजूद रहने वाला है। आगे बढ़ते हुए टीम के सभी समर्थक यहाँ पे नजर आ रहे हैं और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे क्यूट पायल बहुत क्यूट आगे बढ़ती हुई मुकाबले के अंदर। Waiting for four assaulters. Okay. इंतजार है हमें भी उन सभी टीम्स का जो अपकमिंग मैचेस के अंदर आने वाली हैं। बट फिलहाल यहाँ पे ग्लूअल लगा के रास्ता पैक किया गया है। वो ये क्या था? ओह माय गॉड, बहुत गलत डिसीजन यहाँ पे क्यूट पायल का। क्यूट पायल को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया गया है सामने वाली टीम एग्जिस्टो के द्वारा और टीम एग्जिस्टो इस बार मैन एडवांटेज में। एक बंदा कहीं ना कहीं कम रहने वाला है सामने मौजूदा टीम में। यहाँ पे रोशन भाई आगे की तरफ क्लोज इन करते हुए, केतन टेक डाउन हो चुका है। यहाँ पे अंकित का यहाँ पे खूबसूरत शॉट, बेहतरीन हेडशॉट, अकेला बंदा, आखिरी बंदा, लगेगा शॉट काफी गंदा और 4-0 की लीड से। अरे खत्म हो जा, वाओ वेरी डेंजरस। हाँ ये कर लो पहले, नहीं ये कर लो पहले, मार लो गोली मार लो, मैच तो खत्म हो गया है, मैच तो खत्म ही हो गया है, गोलियां चला लो पहले। बट मीन वाइल लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत बधाई टीम एग्जिस्टो को हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से। द बॉयज हैव बीन क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। अगले राउंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है टीम एग्जिस्टो, सी यू इन द नेक्स्ट राउंड। बट मीन वाइल बेटर लक नेक्स्ट टाइम ऊंचाची स्पोर्ट्स, आपका स्वागत है अगले सीजन के अंदर। यू गाइज ऑल्सो ट्राइड वेरी वेल, बट कहीं ना कहीं टीम कोऑर्डिनेशन की और भी ज्यादा आवश्यकता है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर टीम एग्जिस्टो की ओर की तरफ से रहा है कहीं ना कहीं 8 किल के साथ एक्स स्टूडेंट, वहीं एक्स केतन 4 किल और रोशन भाई के 1, अंकित भाई के 3 किल यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं। सो देव योर्स नो, दिस वॉज ऑल फॉर दिस मैच। अब बढ़ते हैं टीम 69 गैंग बनाम उस मैच की तरफ जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। टीम 69 वर्सेस डेथ गैंग का अब ये मुकाबला। हमारा नेता कैसा हो? बोल्ट भाई जैसा हो। अरे भाई 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 ठीक है। हेलो एनोनोमस, कैसे हो आप? देसी बंदा वाईटी, वेट फॉर बनना स्नाइपर। हाँ मेरी जान, चलो। सो द वेट इज ओवर गाइस, द वेट इज ओवर, क्योंकि अब टीम्स आ रही है मैच के अंदर। अब टीमें आ रही है मैच के अंदर। न्यू आईडी पास मैंने एक मंगा लिया है और एंट्री कर लेते हैं इसलिए न्यू आईडी पास, क्योंकि मेरा ग्लिच हो रहा था, मैंने कहा क्या पता सही हो जाए न्यू आईडी पास आने से, देखते हैं। और मैप भी इस बार चेंज हो गया है दोस्तों, काला हार ही लगा दिया गया है। और क्या कह रहे हो, पासवर्ड दिखा दिया? अरे कैंसिल भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, टीम तो आ ही चुकी है। ये चेक करें आप भाई साहब, एक तरफ है टीम 69 आर्मी वेद भाई की टीम, वहीं सामने रहने वाली है यहाँ पे इस बार डेथ गैंग ईस्पोर्ट्स। ओह माय गॉड, द मैच इज गोना बी मच मोर सुपर एक्साइटेड से भरा, मजा आने वाला है।
और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बन्ना 69 आ चुके हैं, इनके स्नाइपर हम देखेंगे आज शॉट्स कैसे लगते हैं, आर यू वेद लेजेंड इस मुकाबले के अंदर मौजूद, देखते हैं। फिलहाल रोहित, इजॉक्स, राकेश एंड मॉस्टर बहुत ही ज्यादा निराश करा है इन टीम ने मैनेजमेंट को और मुझे। हमने कल से रट लगाए रखी है कि सारे मैप्स डाउनलोड करके रखो दोस्तों, बट लुक एट देम। फिर लोग कहते हैं मैनेजमेंट गंदी है, फिर लोग कहते हैं मैनेजमेंट गंदी है। होस्ट कौन है? होस्ट हम सब है दोस्तों। देखो कोई भी मैप नहीं डाउनलोड किया यहाँ पे। देखते हैं कौन होता है इस मैच का विनर, कौन बनेगा डॉन, कौन होगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इस फाइट का। फिलहाल स्ट्रीम डिले, नो ब्रो स्ट्रीम डिले नहीं है। 69 आर्मी जीतेगी, 69 आर्मी जीतेगी आपके चाहने वाले अल्फाबीटस। अरे मेरी जान, आपके चाहने वाला अल्फाबीटस। गाइस गो फॉर 100 लाइक्स फटाफट से, सारे भाई लाइक कर दो जल्दी, दो तो हैशटैग लगा दो जिसका मन करे उसके लिए, आपके ऊपर है आप किसके लिए हैशटैग लगाते हो। चलो यस, फिलहाल लेट्स गो। आर यू 69, वेद 69, लेजेंड एंड हॉक बनना 69 यहां पे मौजूद फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हुए यहां पे डीजी, रोहित, एजॉक्स एंड राकेश एंड मॉन्स्टर डेथ गैंग की तरफ से, देखते हैं। नहीं मार पाएगी डेथ गैंग, टीम 69 आर्मी जीत जाएगी। अच्छा ऐसा है क्या ब्रो? हॉक गर्ल्स और हॉक लीडर्स में कौन जीता? आपको क्या लगता है ब्रो कौन जीता है? अंदाजे में बताओ, अंदाज से बताओ आपको क्या लगता है कौन जीता है। फिलहाल यहां पे डीजी, रोहित, एजॉक्स, राकेश एंड मॉन्स्टर मौजूद। आर यू 69, वेद 69, लेजेंड एंड बन्ना यहां पे। फिलहाल एडम लेके आए हैं सभी खिलाड़ी यहां पे, बहुत ही सज धज के आए हैं इस बार टीम 69 गैंग। आप देख सकते हैं यहां पे सभी खिलाड़ियों का ड्रेस कोड एक जैसा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आर यू 69, वेद 69, लेजेंड और बन्ना 69, चारों खिलाड़ियों का ड्रेस कोड सेम नजर आ रहा है और बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन में टीम 69 गैंग यहां पे। कहीं ना कहीं डेथ गैंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पे टीम थोड़ी सी कमजोर टीम 69 आर्मी के कंपैरिजन, मगर अभी तो ये मात्र राउंड वन था दोस्तों। आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। अल्फा आपका गेम के लिए आए हैं, कब खेलोगे? अच्छा A2Y वुमेन्स, लेजेंड ओपी, अच्छा लेजेंड ओपी A2Y वुमेन्स। अबे A2Y कैसे वुमेन्स, 4-0 मारेगी 69 आर्मी इनको। अच्छा डेथ गैंग वालों कैसे तुम बर्दाश्त कर रहे हो ये सब चीजें चैट में? तुम्हारे लिए लोग बोल रहे हैं कि 69 आर्मी 4-0 मारेगी, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। अच्छा 69 आर्मी के समर्थक इतने ज्यादा है चैट में कि पूरा कहर ढा रहे हैं, जलवा दिखा रहे हैं, आग लगा रहे हैं पूरा। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे डेथ स्क्वाड की टीम जो है ना, डेथ गैंग, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम समर्थक नहीं दिख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ दो बंदे भी रहे ना फिर भी 200 कमेंट कर सकते हैं यार, कैसे तुम लोग स्लो पड़ रहे हो टीम 69 आर्मी के पीछे? कैसे भाई, चैट में आग लगा दो, गेम का तो पता नहीं बट चैट में तुम दिल जीत लो सबका, इतना आग लगाओ चैट में। फिलहाल यहाँ पे चेक करें आर यू 69 का गेम प्ले। वेद की बात करूँ तो यहाँ पे 2 किल के साथ वेद, और वेद नॉक डाउन हो चुके हैं। इस बार बात करो अगर लेजेंड की तो लेजेंड के सामने बंदा, लेजेंड ने बंदे को नॉक डाउन निकाला है बट लेजेंड को भी डैमेज पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बन्ना भी यहाँ पे टेक डाउन कर दिए गए हैं। ओनली लास्ट मैन फ्रॉम टीम 69 गैंग इज स्टिल अलाइव। और बात करूँ तो 2v2 का यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हो चुका है दोस्तों। गौर से देखिए, सामने बंदा आया, आर यू नॉक डाउन हो चुके हैं, लेजेंड अकेला बचा है। बात करूं अगर डीजी रोहित की तो डीजी रोहित पूरी 200 एचपी और 200 ईपी के साथ यहां पे मौजूद। सारे बंदे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितने भी लोग आ रहे हो कोई रुकेगा नहीं साला जब तक 100 लाइक ना हो जाए। चलो तो यहां पे टीम 69 गैंग से तो कोई जीत ही नहीं पा रहा, बट डेथ गैंग वाले आ गए, डेथ गैंग वाले आ गए मैदान जंग में दोस्तों। और अब तो डेथ गैंग ही चले पड़े। फिलहाल अब देखते हैं लेजेंड भाई को, लेजेंड भाई ने एक बंदा क्योंकि टेक डाउन कर दिया है, लेजेंड भाई का डबल किल आता हुआ और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बेहतरीन शॉट जड़ा है खिलाड़ी ने और क्लच करके दिखाया है 1v2 का और राउंड को किया है अपने नाम कतई जहर तरीके से लेजेंड ने यहाँ पे। बहुत ही अद्भुत गेम प्ले लेजेंड का यहाँ पे। टीम 69 गैंग यहाँ पे फिलहाल क्या कह लें, टीम 69 2-0 की लीड में फिलहाल, और डेथ गैंग अभी भी कमबैक की उम्मीद में यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। देखते हैं कैसा रहता है अगले इस मैच का सिनेरियो। एनोमस भाई मैं कल खेलूंगा एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। अच्छा ओके, फिलहाल देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होता है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे लेजेंड यहाँ पे 2-0 के लीड में फिलहाल टीम मौजूद।
दोस्तों चलो 50 की वॉचिंग करते हैं, शेयर करो स्ट्रीम को। चलो स्ट्रीम के आखिरी मैच तक 50 की वॉचिंग कर देते हैं बढ़ा के। अभी 40 प्लस चल रही है, 45 है। चार पांच बंदों तक शेयर करो और उनको बोलो कि बेटा आधे घंटे तक कंटिन्यू यहाँ पे बने रहना स्ट्रीम पे। चलो शेयर करो सबके साथ। फिलहाल यहाँ पे टीम 69 आर्मी ने यहाँ पे दो बंदे टेक डाउन कर दिया, मतलब कि यहाँ पे मैन एडवांटेज में टीम 69 और यहाँ पे डेथ गैंग मैन डिसएडवांटेज में। आखिरी बंदा, आखिरी खिलाड़ी, आखिरी उम्मीद हॉक रोहित यहाँ पे, सॉरी डीजी रोहित यहाँ पे मौजूद, जिसने एक बंदे को नॉक करा है। 1v3 की सिचुएशन में कहीं ना कहीं डीजी रोहित अब मौजूद रहने वाले हैं इस मुकाबले के अंदर। दोस्तों भैया 4-0 फिक्स कर दीजिए। हाँ मुझे भी अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि टीम 69 गैंग 4-0 तो मार के ही रहेगी। और बन्ना का स्नाइपर काफी ज्यादा खूबसूरत शॉट आया है। 4-0 फिक्स कर दीजिए, 4-0। अच्छा ठीक है ब्रो, कोई बात नहीं। देखो सपोर्ट वपोर्ट तो सब अपनी अलग जगह है। एक बार मैसेज आया कुछ, मैं चेक कर लेता हूँ। चलो गाइज लेट्स गो। फिलहाल यहाँ पे बन्ना 69, लेजेंड वेद 69 एंड आरयू 69 यहाँ पे मौजूद आगे बढ़ते हुए, मात्र एक राउंड अपनी जीत से दूर। और यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहता है इस राउंड का। कहीं ना कहीं डीजी रोहित, एजॉक्स, राकेश एंड मॉन्स्टर मौजूद हैं इस मुकाबले के अंदर। 3-0 की लीड में कहीं ना कहीं टीम। अगर यहाँ पे डेथ गैंग को इस मैच को जीतना है तो बैक टू बैक लगातार 4 राउंड में जीत दर्ज हासिल करनी होगी, जो कि थोड़ा सा 80% मुश्किल है, 20% ओनली पॉसिबल है। बट देखते हैं, क्योंकि टीम 69 गैंग बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से खेल रही है, अग्रेसिव है खिलाड़ी। यहाँ पे स्नाइपर भी है, असॉल्टर भी है, रशर भी है, मिड रेंज भी है, शॉर्ट रेंज भी है, हर एक प्रकार के खिलाड़ी कहीं ना कहीं यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे टीम 69 गैंग में। खिलाड़ियों की जितनी तारीफ करो उतनी ही कम। यहाँ पे शॉट पे शॉट्स, हेड शॉट पे हेड शॉट, ओनली रेड ओनली हेड देखने को मिल रहा है यहाँ पे प्लेयर्स के द्वारा। और ये चेक करेगा इस किस तरीके से यहाँ पे प्रेशर बना रखा है टीम 69 गैंग ने। और ये लीजिए 4-0 हो गया है, 4-0 हो गया, क्योंकि सिर्फ रोहित एंड मॉन्स्टर आखिरी के दो खिलाड़ी मात्र रह गए शेष जीवित। बट यहां पे मैं ये क्या देख रहा हूं, 1v2 हो गया। कमबैक और व्हाट गाइस, कमबैक और व्हाट। लेजेंड एक निकाल दिया, 1v1। लेजेंड ने एक निकाल दिया, 1v1 का सिनेरियो, आमने सामने आए खिलाड़ी और यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है लेजेंड को मॉन्स्टर के द्वारा। मॉन्स्टर ओपी लग जाए चैट में, गुड कमबैक लग जाए चैट में दोस्तों। मजा आ गया दोस्तों, मजा ही आ गया। डेथ गैंग नेक्स्ट सीजन आना ब्रो, अभी भी चांसेस हैं, क्योंकि लड़कों ने एक राउंड कमबैक कर दिया है। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं, खैर अभी सीजन 2 के अंदर तो वैसा हमें देखने को नहीं मिला है, बट सीजन 1 के अंदर बहुत से मैचेस हमने ऐसे देखे थे जहां पे टीम 3-0 से हार गई थी, बट उसके बाद एक तरफा कमबैक खिलाड़ी करना चालू किए और उसके बाद 4-3 से मैच को अपने नाम किया लड़कों ने। कहीं ना ये क्या कर रहे हैं रोहित भाई, अरे 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 रोहित भाई व्हाट आर यू डूइंग मैन, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट फिलहाल देखते हैं। इसके बाद किसका मैच है, इसके बाद दोस्तों 4 एसॉल्टर्स वर्सेस टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स का मुकाबला है, और उसके बाद अलायंस स्क्वाड वर्सेस A2 ई स्पोर्ट्स की फाइट रहेगी। फिलहाल देखते हैं आर यू 69, वेद 69, लेजेंड और बन्ना 69 में कौन जीतता है इस मुकाबले को। फिलहाल यहाँ पे स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर का एम लगता हुआ, वेद भाई ने एक बंदे को टेक डाउन किया है, लेजेंड ने भी वहां पे एक बंदे को फिनिश ऑफ दे दिया है। और अब आखिरी बंदा मॉन्स्टर रह गया शेष जीवित, मॉन्स्टर द लास्ट मैन एंड द लास्ट होप फ्रॉम द टीम साइड ऑफ डेथ स्क्वाड हो जाएगा फिनिश। और यहां पे डेथ की टीम हो चुकी है समाप्त और टीम 69 ने इस मैच को कर लिया अपने नाम। कुछ तो ग्लिच चल रहा है, हाँ यस धीरज भैया, ग्लिच ये चल रहा है कि मेरा पिंग थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है लास्ट वाले मैच से, क्योंकि बाहर JCB चल रहा है दोस्तों, JCB की खुदाई चल रही है, तो कहीं ना कहीं जरूर वाईफाई का तार वार थोड़ा टूटा होगा कहीं पे, तो रिपेयर चल रहा होगा इसीलिए इनका थोड़ा कनेक्शन स्लो डाउन हुआ है। बट कोई बात नहीं, इट्स ऑलराइट गाइस, हम सह लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब मात्र रह गए आज के आखिरी दो मैचेस शेष, और वो दो मैचेस बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो मेरे को लगता है कि आप वो शायद मिस नहीं करना चाहोगे, क्योंकि मैं नहीं करना चाहूंगा, मेरा चले ना चले मैं तो देखूंगा और दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अब जो मैच होने वाला है वो होने वाला है 4 एसॉल्टर्स वर्सेस टर्मिनेटर ईस्पोर्ट्स, और उसके बाद होने वाला है अलायंस स्क्वाड वर्सेस A2 ईस्पोर्ट्स का फाइट। फिलहाल यहाँ पे 4-1 की लीड से टीम 69 ने
इस मैच को किया है अपने नाम, राउंड वन के मैच को किया है अपने नाम और क्वालिफाई हो चुके हैं राउंड टू के लिए 4-1 के साथ। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम 69, बट वहीं दूसरी ओर बेटर लक नेक्स्ट टाइम डेथ गैंग, आपसे मिलेंगे अगले सीजन में। यू ऑल्सो गाइज ट्राइड वेरी वेल, ऑल्सो प्लेड वेरी वेल, बट नीड मोर टीम कोऑर्डिनेशन। फिलहाल दोस्तों वेटिंग फॉर एन अनदर टीम, यहां पे लगा दिया गया कालाहारी वाला मैप और अब देखते हैं कैसा रहता है फाइट, कैसा रहता है सिनेरियो, इंतजार कर रहे हैं हम। डियर होस्ट आप कौन हो, आपकी आवाज अच्छी है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तारीफ के लिए। मेरा नाम है A2 गेमर और मैं हूं हॉकाई 8 का लीडर, यू कैन चेक इट आउट। डियर होस्ट और घोस्ट। फिलहाल दोस्तों लेट्स गो, चलते हैं और बढ़ते हैं इस अगले मैच की तरफ जिसका मुझे था इंतजार। वो टीम आ गई, हाँ मेरी जान वो टीम आ गई और एक प्लेयर सोलो प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री लिया है, नूबड़ा बीस्ट, बीस्ट इज कमिंग ओके। अरे सलमान, अरे सलाम इटू भाई, अरे ब्रो 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 लव यू ब्रो लव यू। जिसका मुझे था इंतजार वो टीम आ गई, अच्छा अच्छा बेस्ट ऑफ लक ससुराल की टीम, ससुराल की टीम भी सासुके की टीम क्या लिख रहे हो, बेस्ट ऑफ लक ससुराल की टीम, अरे सासुके है ब्रो वो सासुके जी। गाइज यहाँ पे आपको एक टीम देखने को मिलेगी जो कि 4 असॉल्टर्स, और मैं यहाँ पे थोड़ा टीम्स का इंट्रोडक्शन भी करा देता हूँ क्योंकि अभी टीम 1 आई नहीं है। तो आपके सामने फिलहाल स्लॉट 2 के अंदर देखने को मिल पा रही है 4 असॉल्टर की टीम जिसको रिप्रेजेंट करने आए हैं हॉक मैक्सी, हॉक चैंप, हॉक बीस्ट, हॉक सासुके। कहीं ना कहीं चारों खिलाड़ियों का बैनर और अवतार दोनों बिल्कुल सेम है, आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल देख रहे हो। और वहीं सामने स्लॉट 1 में आ चुकी है टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स। पुराने टाइम में जब ई स्पोर्ट्स का बहुत अलग लेवल का क्रेज था उस वक्त ये टीम फुल मैप में अच्छा परफॉर्म करती थी, बट बहुत दिनों बाद देखा इस टीम को, देखना होगा कैसा रहता है इस टीम का परफॉर्मेंस। बट मीनवाइल टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करने आए हैं ग्लिच गॉड, यहाँ पे चेक कर सकते हैं जय रहने वाले हैं, स्पाइडी गॉड रहने वाले हैं, लकी रहने वाले हैं। सो गाइस बिना किसी देरी के करते हैं आज के इस मैच को फटाफट से स्टार्ट एंड देखते हैं कि इस 5वें मैच का कौन होता है विनर। सो गाइस बिना किसी देरी के करते हैं मैच को शुरू और देखते हैं कौन बनेगा डॉन इस मुकाबले का, यू कह लें इस महा मुकाबले का। कुर्सी की पेटी थाम के या कह लें बांध के बैठिए क्योंकि इस मैच में आपको बहुत ज्यादा धूम धड़ाका बूम बाम फाइट्स भी देखने को मिलेंगे और खतरनाक खतरनाक हेडशॉट्स भी देखने को मिलेंगे। चैट्स तो यहाँ पे भगने लगी टीम्स के खिलाड़ियों को देखते ही, गया बीच तो गया, अरे हैस्टर लोल। फिलहाल गाइस इट्स शो टाइम, यहाँ पे मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। हॉकाई 08 के वो सितारे आ चुके हैं जो आज तक कभी चमके नहीं, लोल ये रोस्ट है या तारीफ या क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। बट यहां पे एक बंदे ने बोला है हॉकाई 08 के वो सितारे जो आज तक कभी चमके नहीं। ब्रो खैर यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये गिल्ड को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अपनी स्क्वाड को, ये अपनी टीम को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनके टीम का नाम है, क्या नाम है, 4 असॉल्टर, हाँ भूल गया था मैं और वहीं सामने से आई है टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स, पुराने दिनों में मानी जानी टीम्स में से एक कहीं ना कहीं टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स। इस टीम के कप्तान कहीं ना कहीं यहाँ पे अक्की भी हुआ करते थे और है भी, बट कहीं ना कहीं अक्की के अब्सेंस में जय यहाँ पे टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे आज। बट मीनवाइल देखते हैं कैसा रहता है इस टीम का परफॉर्मेंस आज राउंड 1 कालाहारी मैप के अंदर हो चुका है प्रारंभ। फ्लैट गेमिंग बेस्ट ऑफ लक टू सासुके की टीम, बहुत बहुत शुक्रिया। FF गेमर उचाची पे कलंक आ गया भाई, अच्छा बीस्ट बेटे को तो मानना पड़ेगा भाई, अब बीस्ट को हरा देना ठीक है ब्रो, चेक करते हैं एक बार। और यहाँ पे जय को टेक डाउन कर दिया गया है खिलाड़ी के द्वारा, अरे लोल भाई मैं स्विच नहीं कर पा रहा हूँ किसी को, कैसे दिखाऊं बीस्ट को, इस मैच के बाद थेरेपी की जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स को थेरेपी की आवश्यकता पड़ेगी जिस हिसाब से यहाँ पे बीस्ट चैंप मैक्सी और सासुके अपना कहर बरसा रहे हैं। और चेक करें गाइस कितने खूबसूरत तरीके से सज धज के आई है यहाँ पे ये टीम 4 असॉल्टर्स की, 4 असॉल्टर्स की टीम कितने खूबसूरत तरीके से सज धज के आई है, पूरा बैनर अवतार सेम है खिलाड़ियों का, ड्रेस कोड यहाँ पे सेम है पूरे खिलाड़ियों का, बट ग्लिच गॉड अकेला बंदा 1v4 की सिचुएशन में राउंड के अंदर चैंप को किया है टेक डाउन, यहाँ पे एक खिलाड़ी को नॉक डाउन कर दिया ग्लिच गॉड ने, और 1v3 का सिनेरियो सामने बंदा मौजूद ग्लिच गॉड हुआ है समाप्त, बीच का आया फाइनल शॉट और राउंड 1 को अपने नाम कर लिया है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे 4 असॉल्टर्स की टीम ने, लड़कों ने शुरुआती पलों में ही अपना खतरनाक गेम प्ले दिखाना शुरू कर दिया है दोस्तों,
मजा ही आ गया। बीस्ट को घर पे आइस भेज दो भैया। अच्छा बीस्ट के घर पे आइस भेज दे, ठीक है भाई देखते हैं। फोर एसोल्टर्स को यहाँ पे आइस और थेरेपी की आवश्यकता पड़ेगी या टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स को, आपको क्या लगता है? लगता है बीस्ट ने रिश्वत दिया है टर्मिनेटर्स को। अरे भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ। अक्की भाई बैठे हैं चैट में, अक्की भाई बताओ भाई क्या सीन है। फिलहाल देखते हैं ग्लिच गॉड यहाँ पे, काश मैं ग्लिच गॉड को दिखा पाता। ओके ओके ये भी सेम ड्रेस कोड में ही आए हैं कहीं ना कहीं, दो बंदे बट सिर्फ दो बंदे, बट दो बंदे सेम ड्रेस कोड में है, दो बंदे अलग कोड में। जैसे जय और लकी एक ड्रेस में है, स्पाइडी और ग्लिच गॉड एक ड्रेस में है। तो लड़के यहाँ पे पूरा सज धज के आ रहे हैं मैच खेलने। मौलिक चौड़े हॉकी 8-1 होगी ब्रो। अच्छा हॉकी 8 जीतेगी, ठीक है देख लेते हैं। लोगों की दुआएं और पब्लिक का प्यार कहीं ना कहीं हॉकी 8 के फोर एसोल्टर्स की टीम के साथ है, मगर एक गलत मूव यहाँ पे मैक्सी का, बहुत अग्रेसिव नजर आया ये खिलाड़ी। बट बीस्ट घुस चुके हैं मैदान जंग के अंदर और बीस्ट ने सही वक्त रहते बैक ऑफ किया है, सही वक्त रहते बीस्ट ने बैक ऑफ किया है। बट अब देखते हैं चैंप और सासुके और बीस्ट का क्या मूव रहता है, किस तरीके से यहाँ पे प्रहार करेंगे। लकी को नॉकडाउन कर दिया बीस्ट ने, लकी को नॉकडाउन कर दिया बीस्ट ने, बट बीस्ट को भी टेक डाउन कर दिया है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अब मैन एडवांटेज में टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स कम बैक करती हुई नजर आ रही है टीम। हमको रिवत 100 आ गए हैं, मतलब समझा नहीं मैं। सासुके पूरा टोरिटल देख रहा था यूट्यूब पे कलहारी मैप का। अरे भाई बीस्ट हार के आना, अरे भाई 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 बंदे आधा मजा ले रहे हैं भाई। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे बहुत कांटे की टक्कर चलती हुई, 1-1 का स्कोर हो गया है, कोई किसी से कम नहीं है। यहाँ पे सभी खिलाड़ी एक दूसरे से बढ़ के हैं, बढ़ चढ़ के हैं इनफैक्ट। अच्छा रिश्वत आ गया 100 रुपये आपको, ओके ओके। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे राउंड 3 अब हो चुका है प्रारंभ, रिफाइनरी वाला राउंड आ चुका है यहाँ पे कलहारी मैप के अंदर, और अब देखते हैं क्या सिनेरियो रहने वाला है। फिलहाल दोस्तों अगर आपने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। हम 100 लाइक्स के सिर्फ 2-3 लाइक्स करीब हैं, दूर हैं मतलब। तो ठोको 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 लाइक ठोको जल्दी। फिलहाल चलो देखते हैं टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स को एक बार। ग्लिच गॉड सिंगल AWM के साथ यहाँ पे खिलाड़ी मौजूद, चैट बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है यहाँ पे टीम के परफॉर्मेंस से। कुछ लोग तो टांगे भी खींच रहे हैं पकड़ के बंदों का, तो कुछ वाकई में सपोर्ट करते हुए भी देखने को मिल पा रहे हैं। बट टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं पहला राउंड हारने के बाद दूसरे राउंड में अपने आप को रोक के रखा और उसके बाद एक अच्छे तरीके से एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ कम बैक किया यहाँ पर टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स की टीम ने। बट वहीं बात करूँ तो इनिशियल दे दिया था लास्ट राउंड के अंदर मैक्सी ने, क्या उस गलती को मैक्सी वापस से दोहराएंगे या इस बार सामने वाले की गलती पकड़ बैठेंगे मैक्सी और नॉकडाउन करके दिखाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सामने बंदों का रश आता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मैक्सी एक हेडशॉट लगा सकते हैं बट न जाने किस चीज़ का इंतजार करते हुए नजर आ रहा है। आई गेस राइट साइड पे बंदा है इसलिए मैक्सी वेट कर रहे हैं और यहाँ पे बंदों का रश आ चुका है, पीछे बंदा आगे बंदा मैक्सी को शॉट लगाए, बढ़िया ही गंदा। और अब यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोर एसोल्टर्स की टीम समाप्त हो गई इस राउंड में भी। जी गाइस बिल्कुल पलक झपकते ही यहाँ पे रशर्स ने अपना काम तमाम कर दिया, रशर्स अपना रोल बहुत ही ओपी वाले तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे हैं टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स ने। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स आ चुकी है वापस मैच के अंदर दोस्तों, वही टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स जिसे हम पूरे एक साल बाद देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, बाकी ये कहाँ खेले पता नहीं बट हम जरूर देख रहे हैं एक साल बाद। देखते हैं भैया एवरीवन से बाकी एवरीवन से अच्छा खेलना है। ओके क्या कर रहे हैं मैक्सी, मैक्सी पता नहीं ब्रो उसके समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, नो आइडिया, कोई बात नहीं इट्स ऑल राइट। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि उस सिचुएशन को वही फील कर सकता है, वही महसूस कर सकता है जो उस वक्त वहां मौजूद है। फिलहाल दोस्तों हम सिर्फ 10 सब्सक्राइबर दूर हैं 7.40K सब्सक्राइबर्स के, तो फटाफट से जितने भी भाई मेरे देख रहे हो, जितने भी यार दोस्त छोटे भाई बड़े भाई मित्र देख रहे हैं, मेरे गिल्ड मेंबर्स देख रहे हैं स्ट्रीम को, सब लोग लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो। फिलहाल यहाँ पे टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स इस राउंड में भी अपना दबदबा बनाने के लिए आगे की तरफ रश करते हुए नजर आ रही, ग्लिच गॉड के सामने एक बंदा मौजूद रहने वाला है स्नाइपर के साथ, यहाँ पे ग्लिच गॉड मौजूद डबल AWM इनके हाथों में। फिलहाल देखते हैं लकी यहाँ पे ड्यू बॉल तोड़ते हुए नजर आएंगे, बट ओ माई गॉड What a shot that was, champ! इतना खतरनाक शॉट कि मेरे टेबल से फोन अपने आप गिर गया, इतना खतरनाक शॉट था चैंप का। बट यहाँ पे जय ने भी गलती करी, स्पाइडी ने भी गलती करी, लकी ने भी गलती किया, अब ग्लिच गॉड रह गए हैं अकेले और मुकाबले के अंदर कम बैक कर दिया है टीम फोर एसोल्टर्स ने दोस्तों।
देवियों और सज्जनों कृपया ध्यान दें, मुकाबले में आ चुका है वापस से फिर से एक बार नया ट्विस्ट। यहां पे मुकाबले में आ चुका है एक बार फिर से न्यू ट्विस्ट। अच्छा, कौन कौन एक्साइटेड है अगले मैच के लिए? क्योंकि अगले मैच में तो अलायंस स्क्वाड आ रही है दोस्तों, और उनके सामने होंगे ए टू ई स्पोर्ट्स के लड़के। क्या लगता है कैसा रहने वाला है अगला मैच? चलो अगर मैं बात करूं जस्ट तुक्का मारने की कि चलो किसी भी एक टीम को ऐसे यू ही कर दो सपोर्ट, तो आप किसको करोगे, अलायंस स्क्वाड या ए टू ई स्पोर्ट्स? बताना चैट में। फिलहाल देखते हैं दोस्तों क्या सीन रहता है। चैट में आ रहा, माँ मेरी बीस्ट बेटे, मार मेरे बीस्ट बेटे, प्रो हो गया माँ, प्रो हो गया। अच्छा, माँ मेरा बेटा बीस्ट प्रो हो गया, ऐसा ये लिखना चाह रहा है। बट मैक्सी के पास AWM इस बार। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मैप है जो उतना नहीं आता है क्लैश स्क्वाड रैंक के अंदर, और जिस कारण से कहीं ना कहीं टीम्स का उतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। बट इस मैप के अंदर, इस मैच के अंदर वही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, वही अच्छा गेम प्ले दिखा पाएगा जो कलहारी बहुत खेल रखा है। फिलहाल देखते हैं दोस्तों कौन सी वो टीम होगी जो फाइनली 4 का स्कोर सबसे पहले टच करेगी और मैच के अंदर जीत दर्ज हासिल करेगी। हॉकी 10 का कब है देखता हूं मैं, शेड्यूल चेकआउट करके अभी आपको बताता हूं इस मैच के बाद। बने रहें, डटे रहें, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ओपी मैक्सी, अरे ये तो घुस गया कोई बात नहीं, फिलहाल किसी और को भी चेक करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं कस्टम ग्लिच बहुत ज्यादा हो रहा है, लेट्स सी दोस्तों क्या होता है, देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे ग्लिच गॉड भाई हमारे, ग्लिच गॉड उनके साथ जय स्पाइडी। इस बार रशर्स फिर से एक साथ भाई, ये बैज 99 की गिल्ड है ना? हाँ मेरी जान, ये बैज 99 भाई की ही गिल्ड है, और आप बिल्कुल सही जगह आए हो। कैसे हो मेरे भाई? अच्छा, जितने भी भाई ना बैज 99 के सपोर्टर्स हैं, फैंस हैं, उनको प्यार करने वाले हैं, दिल से चाहने वाले लोग हैं, वो लोग #Baz99 एक बार जरूर चैट में लगाओ मेरे भाई, ठीक है? चलो मैं देखता हूँ कितने भाई यहाँ पे बैज 99 के लिए यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, कितने लोग हैं जो यहाँ पे बैज 99 भाई के लिए यहाँ पे प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे। चलो देखते हैं। फिलहाल स्पाइडी के सामने बंदा मौजूद रहने वाला है, लकी को काफी ज्यादा लोग किया गया यहाँ पे। सामने फोर असॉल्टर्स की टीम, फोर असॉल्टर्स के एक प्लेयर को यहाँ पे लकी ने बहुत ज्यादा लोग किया गया। लकी के सामने आया बंदा, लकी ने उसको किया डैमेज और अब खुद को होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे लकी। और अब देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है फिलहाल इस मुकाबले के अंदर। सामने रशर्स, फोर असॉल्टर्स वर्सेस टर्मिनेटर, ग्लिच गॉड यहाँ पे टेक डाउन हो चुका है, दोनों टीमों से एक एक खिलाड़ियों को टेक डाउन कर दिया गया है। यहाँ पे फोर असॉल्टर्स के दो प्लेयर टेक डाउन हो चुके हैं। कहीं ना कहीं चैंप यहाँ पे जोन के अंदर फंस चुका है, पूरी तरीके से वॉल तोड़ता हुआ नजर आ रहा चैंप। अभी भी वक्त है, अगर ग्लू वॉल तोड़ने में कामयाब रह पाता है चैंप तो अपनी जान बचा लेगा, मगर यहाँ पे असमर्थ रहेगा खिलाड़ी, जोन आ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैक्सी का अकेला हील करेगा मगर कुछ नहीं कर सकेगा मैक्सी, और 3-2 की बढ़त में टीम टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। जी बिल्कुल सही सुना आपने, 3-2 की लीड में टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स, बहुत बढ़िया गेम प्ले यहाँ पे टर्मिनेटर्स के द्वारा कहीं ना कहीं। फिलहाल क्या ये राउंड लास्ट राउंड होगा, ये देखने वाली बात होगी, मगर कहीं ना कहीं उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा खेलती हुई फिर भी सामने नजर आ रही है मौजूदा टीम फोर असॉल्टर्स की। बट कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा कहीं खतरनाक लेवल का गेम प्ले दिखा रही है हमारी टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स, जितनी तारीफ करो उतनी ही कम यहाँ पे। #Baz99 ओहो क्या बात है, A2Y A2Y Baz99 क्या बात है, यहाँ पे कंपटीशन हो गया भाई बैज भाई वर्सेस A2Y। फिलहाल देखते हैं क्या इस राउंड को भी अपने नाम करके टर्मिनेटर्स यहीं पे मैच को खत्म कर देगी या फिर एक और राउंड कमबैक करेगी यहां पे टीम फोर असॉल्टर्स, देखने वाली बात होगी क्या यहां पे कमबैक करेगी टीम। चलो लेट्स गो। फिलहाल यहां पे मैक्सी चैंप 20 सासु के मौजूद रहने वाले हैं, चारों बंदे नीचे घर को घेर के बैठे हुए हैं। वही बात करूं टर्मिनेटर्स के 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी सब नीचे की तरफ उतर चुके हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे 3 खिलाड़ी नीचे की तरफ उतर चुके हैं और ऑलमोस्ट सभी नीचे आ गए। और वहीं बात करो अगर फोर असॉल्टर्स की तो उनको कुछ समझ में भी नहीं आया क्या हो रहा है। फोर असॉल्टर्स को पता ही नहीं चला, भनक ही नहीं लगा कि कब बंदे नीचे उतर गए। ओपी इंटेंस मैच यहाँ पे चलता हुआ कहीं ना कहीं, फोर असॉल्टर्स बनाम टर्मिनेटर ई स्पोर्ट्स आमने सामने आते हुए बंदे, और अगर इतना पीक देंगे मैक्सी भाई तो आपको हेडशॉट तो लगेगा ही निश्चित है। ग्लिच गॉड यहाँ पे AWM लेके पहला शॉट किया MS, दूसरा शॉट किया MS, और तीसरा क्या यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ग्लिच गॉड, देखने वाली बात है। तीसरा भी मिस, चौथा भी मिस, और एक तो जरूर कनेक्ट होगा, और वही शॉट जो कनेक्ट हो जाएगा वही होगा कहीं ना कहीं एक खतरनाक सा शॉट। बट यहाँ पे
मारा गया है बंदों को। लकी भी यहाँ पे मौजूद रहने वाला है। लकी के सामने बंदा लकी यहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुके हैं और एक राउंड और कम बैक करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हमारी फोर असॉल्टर्स की टीम और वहीं हमारी टर्मिनेटर ईस्पोर्ट्स एक राउंड और मात खा चुकी है। मतलब कि फाइट अलग ही लेवल का हो चुका है। और दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि ये अब का इस मैच का लास्ट राउंड है और इस लास्ट राउंड का स्कोर अगर मैं आपको बताऊं तो 3-3 हो चुका है फिलहाल। जो टीम ये राउंड जीतेगी वो हो जाएगी क्वालिफाई सीधा अगले राउंड के लिए। भाई 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 भाई, भाई। इतना इंटेंस फाइट अभी तक तो मैंने नहीं देखा। 3-3 का स्कोर, अलग ही लेवल का मुकाबला। कोई भी बंदा कहीं जाएगा नहीं, सब बने रहो डटे रहो, मजा बहुत आएगा। और सब लोग लाइक जरूर करें। फिलहाल लास्ट राउंड, एक छोटी सी गलती और जो पहले हुआ नॉक शायद उसकी टीम हो सकती है वाइप आउट। देखते हैं 3-3 का स्कोर और किस्मत तो देखो इनकी कि मेरा अब नेट भी ठीक हो गया। फिलहाल यहाँ पे मैक्सी के साथ चैम्प के साथ बीस्ट और यहाँ पे सासुके। कहीं ना कहीं बीस्ट और सासुके के लेफ्ट साइड पे आ चुका है बंदा। सासुके को शॉट भी लगाए काफी गंदा। बीस्ट आगे की तरफ बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट दिखाते हुए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे बीस्ट और सामने ऊपर राइट में बंदा मौजूद रहने वाला है। यहाँ पे मैक्सी ने इनिशियल लॉक निकाल दिया। 1 man डिसएडवांटेज फॉर द टीम साइड। मैक्सी अंदर घुसे हैं, ग्लू वॉल को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्सी एंड चैंप यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड अनबिलीवेबल तरीके से यहाँ पे क्लेम प्ले दिखा रहे हैं। दोनों रोस्टर्स यहाँ पे अपना बेहतरीन रोल निभा रहे हैं। मैक्सी और चैंप यहाँ पे बिल्कुल आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वही लॉन्ग रेंज से बीस्ट और सासुके भी अपना बेहतरीन सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं टीम को। बट अब यहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुके हैं यहाँ पे टर्मिनेटर्स के स्पाइडी एंड ग्लिच गॉड। यहाँ पे अब देखने वाली बात है क्या ग्लिच गॉड अकेले 1v4 कर पाएंगे। ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे मैच जा चुका है। बात करूं तो फोर असॉल्टर्स के खाते में, मगर ये हेडशॉट बहुत ज्यादा शानदार था ग्लिच गॉड का। सीधा एडब्ल्यूएम का फटका जोरदार लगा था और बंदे को ग्लिच गॉड ने उठा के फटका। बट 1v4 का सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ग्लिच गॉड खत्म और यहाँ पे होनी को अनहोनी कर दे, होनी को अनहोनी। फोर असॉल्टर्स ने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, खूबसूरत तरीके से हेटर्स के मुंह पे मारा है तमाचा और यहाँ पे राउंड 1 को अपने नाम किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, वो भी पूरी कड़क फाइट करके और सीधा क्वालिफाई हुए हैं राउंड 2 के लिए। दोस्तों वेरी वेल प्लेड, वेरी वेल ट्राइड। यहाँ पे कहीं ना कहीं टर्मिनेटर ईस्पोर्ट्स आपने 3 का स्कोर खड़ा किया था, बट मैक्सी अच्छे खेले आपने लास्ट राउंड में। लास्ट राउंड कहीं ना कहीं मैक्सी और चैंप अगर उस तरीके से नहीं खेलते उतना एग्रेसिव तो नहीं हो पाता। बट मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम फोर असॉल्टर्स। मैक्सी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 7 kill के साथ, 5 kill चैंप के, सासुके के 2 और बीस्ट के यहाँ पे 3 kill मौजूद रहने वाले हैं। बट वही सामने स्पाइडी और 4, लकी 3, ग्लिच गॉड 2 और जैके 1 kill। और दोस्तों इसी के साथ विनर हुए इस मैच के फोर असॉल्टर्स और अगले राउंड में अब हम मिलेंगे इनसे। बट अब दोस्तों जिस वक्त का था आप सभी को बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है क्योंकि एक तरफ रहने वाली है स्लॉट 2 के अंदर एलायंस स्क्वाड जो कि है हॉक रेक्सेल, मिस्टर यादव और इट्स इरेन और माइकी, और वहीं सामने से आए हैं डीएल, ऋतिक, रे एंड आरडी जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं A2 Esports को। दोस्तों ये मैच आज का आखिरी मैच एंड दिस इज गोना बी द नाउ रियल शोडाउन। दिस विल बी द 2 days फाइनल शोडाउन और देखते हैं आज के इस मैच को कौन जीतेगा, कौन होगा विनर, कौन बनेगा डॉन, कौन बनेगा इस मैच का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो दिल थाम के बैठिएगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब यहाँ पे लगा दिया गया है परगेट्री वाला मैप। दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार। हैशटैग लगाओ अपनी अपनी फेवरेट टीम्स के लिए, आग लगाओ, जलवा दिखाओ, कह डाओ चैट के अंदर। फिलहाल यहाँ पे टीम्स के घुसते ही A2 Army, A2 Esports, हाँ मैं आपको टीम्स का नाम बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं टीम्स का नाम आपको बता दे रहा हूँ। चलो कुछ भी मैं यहाँ पर रख देते हैं, नो वरी यहाँ पर देख लेते हैं। स्टार्ट कर दो फटाफट से, यहाँ पर एल्पाइन मैप लगाया गया है। फिलहाल जो स्लॉट 1 में टीम है गाइज वो है A2 Esports, स्लॉट 2 में जो टीम है वो है हमारी कहीं ना कहीं एलायंस स्क्वाड। इन दोनों का होगा आपस में 4v4 का फाइट, जो जीतेगा वो सीधा क्वालिफाई करेगा अगले राउंड के लिए। ठीक है, लेट्स गो। और अब यहाँ पे किस बात का वेट किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या पता कुछ हुआ हो।
यहाँ पे अगर कोई मैनेजमेंट से मुझे देख रहा है तो फटाफट से मैच को प्लीज स्टार्ट करवाए जाए, क्योंकि हमारे लड़के स्ट्रीम में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस मैच को देखने के लिए। लाइनअप तो देखो गाइस कितना ओपी दिख रहा है, डीएल, ऋतिक, रे एंड आरडी, ओपी लाइनअप। हैस्टर मेरीजान, लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आज का सबसे बड़ा सुपर चैट आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे हैस्टर लाइफ की तरफ से हैस्टैग A2Esports और व्हाट, क्या बात है, हैस्टैग A2Esports को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए हमारे हैस्टर भाई, सारे बंदे हैस्टर ओपी लगा दो गाइस चैट के अंदर, क्या बात है। हैस्टर A2Esports को इतना खतरनाक सपोर्ट देते हुए यहाँ पे उनके सपोर्टर्स, मजा ही आ गया बिल्कुल, एक नंबर था ये। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे राउंड वन जो है वो प्रारंभ हो चुका है, यहाँ पे A2Esports पूरी तरीके से तैयार है, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं खिलाड़ी। वहीं बात करूं तो अलायंस स्क्वाड की भी टीम यहाँ पे मौजूद है, 440 वोल्ट का झटका दे दिया हैस्टर भाई ने, हाँ ना मेरी जान, खतरनाक तरीके का बिल्कुल था ये, सरप्राइज था बिल्कुल। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे अलायंस स्क्वाड की तरफ से रेक्सल आगे बढ़ते हुए, और रियान, इरेन एंड माइकी, आरडी, फर्स्ट रे, ऋतिक एंड A2DL यहाँ पे आगे बढ़ते हुए सभी खिलाड़ी। कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले राउंड के अंदर डेजर्टिकल का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं ऋतिक और डीएल। वहीं रे की बात करूँ तो रे के पास AN94 रहने वाली है, आरडी के पास UMP रहने वाली है। सामने से बात करूँ तो UMP, रेन के पास डेजर्टिकल, एरेन के पास भी डेजर्टिकल और माइकी के पास UMP, तो बहुत ही इक्वल कहीं ना कहीं यहाँ पे गन्स का इस्तेमाल करते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। डीएल भाई का यहाँ पे बैक ऑफ हल्का सा क्योंकि सामने दो बंदे मौजूद थे, ऋतिक भाई यहाँ पे आगे की तरफ थोड़ा सा मूव ऑन करते हुए देखने को मिल पा रहे हैं। राउंड वन रहने वाला है यहाँ पे ये अल्पाइन मैप का, देखने वाली बात है कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो यहाँ पे पीक देगा और उसके बाद यहाँ पे समाप्त हो जाएगा ये फाइट। फिलहाल लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगा है टीम A2Esports को, क्योंकि यहाँ पे कप्तान को फिनिश ऑफ कर दिया गया, यहाँ पे डीएल भाई को टेक डाउन एंड फिनिश ऑफ कर दिया गया है, बट वहीं दूसरी ओर यहाँ पे नहले पे दहला दिया है, यहाँ पे रेने बंदे को उठा के पटका है, दिया है जोरदार झटका, एक बंदे को लिया है यहाँ पे अपने अंडर में। और फिलहाल 3v3 का ये मुकाबला होता हुआ, ऋतिक भाई जोन में फंस चुके हैं बहुत ही बुरी तरीके से, ऋतिक भाई बहुत ही बुरी तरीके से जोन में फंस गए ग्लू वॉल्स के अंदर। 2v2 की फाइट, आरडी के सामने बंदा मौजूद, आरडी बॉडी बॉडी दे दे बॉडी, और आरडी के सामने रे, रे का यहाँ पे रस, रे का शॉट, रे नॉक, अब आरडी के लिए 1v2, ओ माय गॉड, आरडी आरडी के लिए 1v2 का सिनेरियो, पहले ही राउंड के अंदर इतना इंटेंस मुकाबला, पहले ही राउंड के अंदर इतना इंटेंस फाइट हमें देखने को मिल चुका है दोस्तों। क्या लगता है हु इज गोइंग टू विन दिस मैच, एनी गेसेस, A2Esports या सामने मौजूदा अलायंस स्क्वाड, देखते हैं। आरडी का 1v2, यहाँ पे जोन कहीं ना कहीं इनके ठीक सामने, रेक्सल और रेन यहाँ पे बंदे को स्पॉट करते हुए नजर आ रहे हैं, लॉन्ग रेंज से कवर देंगे और रेक्सल यहाँ पे आरडी को फिनिश ऑफ कर देंगे। राउंड वन जाता हुआ अलायंस स्क्वाड के खाते में से के साथ। ए2 भैया कैसा लगा मेरी जान, आप वो स्ट्रीम देखना आपको समझ में आ जाएगा मैं कितना एक्साइटेड था तुम लोगों के मैच के लिए। हैस्टर जस्ट चिल बेबी, अभी देखो आगे आगे होता है क्या, अभी देखो आगे आगे होता है क्या, अभी डीएल भाई इज नॉट इन फॉर्म, लेट हिम कम इन द गेम, लगता है पैसा बर्बाद करवाएंगे मेरा, नहीं ब्रो नहीं नहीं, जस्ट चिल ओ बेबी, कम डाउन, ठीक है। फिलहाल देखते हैं राउंड टू यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, डीएल, ऋतिक, रे एंड आरडी मौजूद। वहीं बात करूँ तो रेक्सेल, रैन, इरेन एंड माइकी, कैसे कैसे तो नाम है इन खिलाड़ियों के, लिया ही नहीं जा रहा मेरे से, बट फिलहाल ये चारों बंदे अपने टीम के हर एक खिलाड़ी के साथ मौजूद, अच्छी कोऑर्डिनेशन दिखाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं ये सभी खिलाड़ी यहाँ पे। फिलहाल के लिए शॉर्ट रेंज दोनों वेपन्स का बिल्कुल सही उपयोग करने का प्रयास। मुच्चू FF, ₹2 की पेप्सी, A2BSXC, लव यू आरडी, A2DLRB, थैंक यू सो मच मुच्चू, थैंक्स फॉर अ लवली ₹44 का सुपर चैट के लिए, लव यू मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हॉक, रेक्सेल, रैन, इरेन एंड माइकी पढ़ लेते हैं इसको, मिक्की। फिलहाल देखते हैं A2Esports भी होल्ड कर रही है अपने पोजीशन को, क्योंकि उन्हें पता है हमें गलती नहीं करना है। मुज्जू लाया पापा से पैसा मांग के अच्छा कह रहा पापा पापा मेरे को भी दो ना, मुझे भी सुपर चैट करना है, मुझे भी सपोर्ट करना है, मुझे भी प्यार दिखाना है। फिलहाल देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या होता है। नहीं नहीं मेरे पास थे हैस्टर भाई, अच्छा ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हुए सभी खिलाड़ी, देखते हैं क्या सीन रहता है डीएल भाई के सामने बंदा। फिलहाल तो ये 1v1 कह सकते हैं और डीएल ले सकता है, डीएल के पास चांस है,
वन वर्सेस वन निकालने का चांस है डीएल के पास अगर लेफ्ट वाले खिलाड़ी यहाँ पे कवर देता है। रे ने पकड़ लिया एक बंदे को यहाँ पे और आरडी नॉक हो चुका है। आरडी ने एक्चुअली नॉक किया है, डीएल नॉक हो चुका है बट यहाँ पे रिवाइव करते हुए और बिल्कुल यहाँ पे इधर से दो खिलाड़ी नॉक बट उधर से पूरे तीन खिलाड़ी नॉक हो चुके हैं। आरडी ने यहाँ पे दो प्लेयर्स को टेक डाउन किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ऋतिक भाई टेक डाउन हो चुके हैं बट आरडी ने एक और प्लेयर को टेक डाउन कर दिया, ट्रिपल किल आरडी का। और यहाँ पे बहुत ही सूझबूझ दिखाई टीम के खिलाड़ियों ने, एक नॉक दो नॉक तीन नॉक और राउंड में कमबैक किया टीम A2 Esports ने। बहुत बढ़िया गेम यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया गेम प्ले और बहुत ही खूबसूरत कमबैक यहाँ पे टीम के द्वारा। अब हो चुका है ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी का। अब कहीं ना कहीं टीम A2 Esports के समर्थक में जो फैंस हैं यहाँ पे बैठे चैट में स्ट्रीम में उनके जान में जान आई होगी कि ओह चलो राउंड तो इक्वल हो गया भाई। हेलो भाई आपका चैनल इतना कैसे डाउन हो गया? क्योंकि आप आते नहीं हो डेली मेरी जान, आप डेली आते नहीं हो ना, इसीलिए आप डेली आओ हमारा चैनल अभी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है फिलहाल चलिए दोस्तों देखते हैं इस मैच को। ओपी A2 Esports शुक्रिया गाइस, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट टीम्स को दिखाते रहो। फिलहाल अलायंस स्क्वाड को देखते हैं, इरेन यहाँ पे यूएमपी के साथ मौजूद ये खिलाड़ी आगे बढ़ता हुआ और मिस्टर यादव इस बार नॉक हो चुके हैं। डीएल अपना कहर ढाना प्रारंभ कर चुके हैं बट रेक्सेल ने यहाँ पे एक बंदे को टेक डाउन किया है सामने से, यहाँ पे फर्स्ट रे भाई को टेक डाउन कर दिया है। ग्लू वॉल तोड़ते हुए नजर आए खिलाड़ी, एक और बंदे को किया है समाप्त और डीएल भाई का यहाँ पे दो किल पूरा होता हुआ। ऋतिक भाई अभी भी खाता नहीं खोले हैं, ऋतिक के सामने बंदा उसको फिनिश ऑफ किया। थ्री वर्सेस टू का सिनेरियो, अलायंस स्क्वाड मैन डिसएडवांटेज में, कहीं ना कहीं आगे से बंदा पीछे से बंदा और इरेन एंड माइकी लास्ट टू मैन। इरेन की एचपी बहुत ज्यादा लो, इरेन बैक ऑफ करते हुए माइकी की बात करो तो माइकी ने एक प्लेयर को टेक डाउन कर दिया, मतलब कि ये मुकाबला अब टू वर्सेस टू का। आरडी एंड डीएल, इरेन एंड माइकी, क्या लगता है? बोल धक धक हो रहा है रे बाबा, अब कौन जीतेगा इस मुकाबले को? अलायंस स्क्वाड बिल्कुल खतरनाक खेलते हुए नजर आ रही है मगर यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पे आरडी भाई के द्वारा और एक प्लेयर को टेक डाउन कर दिया है, मतलब कि टू वर्सेस वन का सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट कर दिया है A2 Esports की टीम ने। अब होंगे A2 Esports की तरफ से दो बंदे और वही अलायंस स्क्वाड की तरफ से माइकी अकेला। देखते हैं क्या माइकी को यहाँ पे स्पॉट करके फिनिश ऑफ किया जाएगा या यहाँ पे माइकी एक के बाद एक नॉक निकाल के वन वर्सेस टू क्लच करके यहाँ पे इस राउंड को अपने नाम करेगा। फिलहाल कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि सामने बहुत ही अच्छे दो खिलाड़ी हैं, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं और बिल्कुल जितनी तारीफ करो उतनी कम। इस राउंड को भी किया है लड़कों ने अपने नाम 2-1 की लीड से। यहाँ पे A2 Esports मुकाबले में आगे बढ़त लेती हुई बहुत ही बढ़िया तरीके से। फिलहाल डीएल, ऋतिक, रे एंड आरडी भाई मैच में मचा रहे, जलवा दिखा रहे, कह डा रहे हैं। फिलहाल स्कोर बोर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे, ऋतिक अनलिमिटेड में नूब है, वो तो खेलने भी नहीं वाला था, अरे थंडर खेलने वाला था बट लास्ट मोमेंट डीएल ने डिसाइड करा कि वी विल गो विद ऋतिक। आई सेड ओके अप टू यू। फिलहाल देखते हैं गाइस आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ऑल प्लेयर्स डीएल, ऋतिक, रे एंड आरडी। फिलहाल वही अलायंस स्क्वाड टॉप ट्रैक करते हुए रेक्सेल भाई यहाँ पे हॉकाई 2 के हैं ये कहीं ना कहीं और अच्छा गेम प्ले भी दिखा रहे हैं। देखते हैं मगर ओ माय गॉड स्टार्टिंग पलों में ही यहाँ पे इरेन को टेक डाउन कर दिया गया है। वन मैन डिसएडवांटेज फ्रॉम द टीम साइड, शुरुआती पलों में ही बहुत बड़ा झटका लगाया और एक और बंदे को उठा के पटका A2 Esports ने। यहाँ पे टू वर्सेस फोर का सिनेरियो, एक और बंदा नॉक और रेक्सेल यहाँ पे अकेला खिलाड़ी मात्र मौजूद इस मुकाबले के अंदर। बहुत ही अलग लेवल का गेम प्ले दिखाते हुए यहाँ पे डीएल अनबिलीवेबल तरीका का यहाँ पे प्रहार करती हुई टीम। ऋतिक भाई का फ्री प्रमोशन हो गया, अच्छा फोर एसोल्टर्स सपोर्ट A2 Esports। ओ माई गॉड थैंक यू सो मच फॉर अ लवली 50 रुपीज का सुपर चैट माथुर ब्लॉग्स, लव यू मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुपर चैट के लिए। इतना सपोर्ट आ रहा है A2 Esports के नाम पे भाई, आग लगा रहे हैं लड़के तो पूरा आज आज। ये होता है असली फैन पावर, ऐसे किया जाता है टीम को सपोर्ट। देख लो बाकी लोग देख लो एक बार, हाँ गौर फरमाइएगा जरा सपोर्ट के ऊपर। फिलहाल प्रभात भाई हाय हेलो कैसे हो प्रभात भाई, XG का भी लाइव करो। सांगा भाई मैनेजमेंट को आप बोल दो, मैं कर लूंगा नो प्रॉब्लम, मैं बैठा ही हूँ मैं कर लूंगा, आप मैनेजमेंट को बोल दो करवा दे मैच, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आपको करवाना है तो करवा सकते हो बट ये मैच खत्म हो उससे पहले आप डिसाइड करो। फिलहाल दोस्तों 3-1 की लीड में A2 Esports, कहीं ना कहीं A2 Esports 3-1 की लीड में फिलहाल मौजूद। देखते हैं आगे बढ़ते हो यहाँ पे A2 Esports के सभी खिलाड़ी, वही अलायंस स्क्वाड बहुत ज्यादा प्रेशर में मगर प्रेशर बिल्कुल चेहरे पे और गन्स में और बॉडी पे नजर नहीं आ रहा रेक्सेल के। उतना अनबिलीवेबल शॉट यहाँ पे जड़ाई खिलाने के खिलाड़ी ने कि मानना पड़ेगा बट फिलहाल यहाँ पे दो प्लेयर नॉक, तीन प्लेयर नॉक और A2 Esports का अकेला बंदा सिर्फ
डीएल रह गया सेज जीवित, डीएल का वन वर्सेस वन, डीएल का वन वर्सेस वन, सामने आया बंदा, डीएल का शॉट, अच्छा हेडशॉट था ये, अच्छा हेडशॉट था, जोन का डैमेज नहीं खाना है डीएल भाई आपको, जोन के अंदर जाना है और वन बी वन में क्लच करके दिखाना है। क्या चार एक लीड से इस मैच को अपने नाम करेगी टीम, देखने वाली बात है। और बिल्कुल 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 टीम A2 Esports ने यहाँ पे किसी को नहीं कराया निराश, राउंड वन को किया है बिल्कुल वन साइडेड तरीके से अपने नाम, और टीम A2 Esports ने जीता है इस मैच को और लोगों के दिलों को भी। A2 Esports के A2RD रहे हैं टॉप रैगर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फ्रॉम द टीम साइड, टोटल 8 किल्स के साथ यहाँ पे मानना पड़ेगा बहुत ही बेहतरीन टीम कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों का। RD DL नेक्स्ट लेवल गेम प्ले, ऋतिक थोड़ा सा हल्का लगा मुझे आज आपका गेम प्ले, बट रे 50-50 आपका था, बट ऋतिक यू नीड टू प्ले मोर वेल। हाँ बट मीनवाइल दोस्तों आज का ये वाला मैच फिलहाल होता है यहीं पे समाप्त, और अब एक बार मैं टीम मैनेजमेंट से पूछ लेता हूँ कि और करवाना है। ओके फास्ट, चलो एक और मैच हो रहा है गाइस, और यहाँ पे A2 Esports बहुत ही खतरनाक तरीके से 4-1 के साथ इस मैच को जीत चुकी है। स्कोर बोर्ड आपके सामने है, अलायंस स्क्वाड यू गाइस रियली ट्राइड वेरी वेल, राउंड वन आपका बहुत बेहतरीन था, उसको आप बरकरार रखते तो शायद जीत जाते, मगर A2 Esports के सामने आपकी एक ना चली। हाँ बट मीनवाइल दोस्तों अभी एक और मैच होने वाला है और एक और खतरनाक सपोर्ट आया है यहाँ पे A2 Esports के नाम, और जो कि फिर से 440 वोल्ट का झटका है, मतलब कि 440 रुपए का सपोर्ट क्या कह ले सुपर चैट आया है हैस्टर लाइव हैस्टर भाई की तरफ से हमारे। उन्होंने लिखा है हैशटैग A2 Esports आना मेरी जान, बहुत बढ़िया सपोर्ट, बहुत अच्छा लगा ये प्यार देख के। और ये सपोर्ट मैं बता रहा हूँ ना, जब से मैं हॉकाई में हूँ ना, इस लेवल का सपोर्ट जिस लेवल का A2 Esports को मिला है ना, ऐसा अभी तक किसी टीम को किसी भी टीम के समर्थकों ने नहीं दिया है, इतना गदर लेवल का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिला है हमें। बट मीनवाइल गाइस चलो बढ़ते हैं अगले मैच की ओर, जो कि होगा यहाँ पे एक्सट्रीम डेथ वर्सेस किसका होगा ये मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि एक्सट्रीम डेथ का कहीं ना कहीं वो वाला मैच आपने देखा था कैंसिल हो गया था। बट दोस्तों एक बार हैशटैग A2 Esports दबा के हो जाए, हैशटैग हॉकी एक बार हो जाए, हैशटैग लगाओ अपनी फेवरेट टीम्स के लिए और लाल दिल लगा दो पूरा, लाल दिल लगा दो पूरा चैट में, लाल दिल लगा दो पूरा चैट में खतरनाक तरीके से। फाइनल्स में ना गाइस बहुत मजा आने वाला है, राउंड टू तो और भी खतरनाक होने वाला है, राउंड टू और भी खतरनाक होने वाला है, वो कैसे ये मैं आपको बताऊंगा। एटू भाई हमारे पास सुपर चैट का पैसा नहीं है तो चैट का तो ऑप्शन है ना मेरी जान, चैट 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 पे मचाओ, जलवा दिखाओ, कहर ढाओ, अपनी टीम को सपोर्ट करके बताओ। ठीक है एक सेकेंड दो मुझे, विल कॉल यू बैक, आई एम इन लाइव पे, बताओ क्या हुआ। ओके गाइज लेट्स गो, एक सेकेंड विनीत बाय, चलो गाइज लेट्स गो, फिलहाल यहाँ पे वेटिंग फॉर द टीम राइट नाउ। ये वही टीम है जिनका मैप ग्लिच था, अनाउंस कर देना। ओके ओके ये वही टीम है गाइस जिनका वो क्या बोलते हैं फुल वो लग गया था, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे, फुल कंट्रोल हो गया था एक्चुअली। हाँ तो उनका मैच हम रीमैच करवा रहे हैं, समझ रहे हो, रीमैच हम उनका करवा रहे हैं, वो भी लाइव स्ट्रीम पे, ऑफलाइन में नहीं करवा रहे, लाइव पे इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपके सामने हो सके। टीम नेम एक बार सामने वाले का पूछ लेते हैं, XG वर्सेस हु, XG वर्सेस हु पूछ लेते हैं। चलो लेट्स गो, A2 Esports OPE। हाँ दोस्तों मैं वही कह रहा हूँ, देखो सपोर्ट करने का कई तरीका होता है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे अभी हो रहा है, ऑल्सो आप चैट में सिर्फ अपने ही टीम का नाम दिखा के कर सकते हो, समझ रहे हो, तो इट्स अप टू यू आप किस लेवल का सपोर्ट कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। ठीक है चलो लेट्स गो, सूरज भाई 6 मंथ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे भाई 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 A2 भाई हमारे पास सुपर चैट का ऑप्शन है, कोई बात नहीं ब्रदर, A2 Esports OP ब्रो। यस गाइस फ्री फायर फनी वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो, एंग्री बोर्ड ऑफिशियल भाई बिल्कुल बनाएंगे, बहुत जल्दी बनाएंगे, और इसलिए भी नहीं बना रहे हैं क्योंकि उसमें आप लोगों का उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिलता था, आप तो करते थे सपोर्ट मगर वो वीडियोस उतनी वायरल नहीं होती थी, लोग शेयर नहीं करते थे, बट हम सोच रहे हैं कि हम वापस उस सीरीज को स्टार्ट करें। वी आर ऑल्सो हायरिंग ए एडिटर, वीडियो एडिटर इनफैक्ट, अगर कोई होगा तो हॉकी के मेल पे मेल कर सकते हो आप अपना,
प्रॉपर वर्क वन में एक्सट्रीम देते हैं। वहीं सामने यहाँ पे प्रणव, रॉयल राज, राकेश 01, लूफी 01 मौजूद रहने वाले हैं। सो देवी और सज्जनों कृपया ध्यान दें। अच्छा जिम रैट्स इनका नाम है, जिम रैट्स। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए दोस्तों। जिम रैट्स वर्सेज एक्सजी स्पोर्ट्स, अगले जन्म में आएंगे क्या ये? नहीं नहीं आ गए। सो दोस्तों लेट्स एंजॉय दिस मैच। तब तक आप 5 लाइक और कर दो, 110 लाइक करते हैं और ये मैच खत्म करते हैं। और सुनो बाय बाय, एक साथ करके चलेंगे, अकेले भग मत जाना मुझे छोड़ के, ठीक है? कोई जाएगा नहीं स्ट्रीम से इस मैच के खत्म होने से पहले। चलो यहाँ पे स्टार्ट तो हो गया है बट देखते हैं। चलो लेट्स गो, वी आर गेटिंग इन द गेम नाउ गाइज। और देखते हैं क्या सीन रहता है। चलो लेट्स गो, फिलहाल यहाँ पे राउंड वन स्टार्ट हो चुका है एक्सट्रीम डेथ का, देखते हैं क्या सीन है। चिराग, प्रीत, एक्स जी यहाँ पे आगे बढ़ते हुए। लेट्स सी, हॉक प्रणव, रॉयल राज, राकेश 01, लूफी 01 यहाँ पे मौजूद। और लूफी भाई का कहीं ना कहीं यहाँ पे गेम में जरूर वो कनेक्ट हो गए, बट गेम में आने के बाद यहाँ पे इंटरनेट उनका गया है, तो अब इसमें मैनेजमेंट भी कुछ साथ नहीं दे सकती है। सो अब इन्हें ऐसे ही खेलना पड़ेगा। होप करते हैं यहाँ पे लूफी का नेट आ जाए, देखते हैं क्या सीन रहता है। फिलहाल यहाँ पे चिराग का जोरदार बैक टू बैक ट्रिपल हेडशॉट भैंस के आगे इसकी। चिराग अनबिलीवेबल तरीके से खेलता हुआ यहाँ पे 3 किल कर दिखाया है चिराग ने, मानना पड़ेगा अनबिलीवेबल गेम प्ले। यहां पे दमन ने 1 किल करा और 3 तो चिराग ने ही मार दिया। फिर राउंड 1 इसी के साथ जाता हुआ यहाँ पे एक्सट्रीम डेथ के खाते में। बात करो अगर जिम रैट्स तो पहला राउंड खो चुके हैं, मगर क्या अपकमिंग राउंड्स में यहाँ पे कमबैक देखने को मिलेगा टीम के द्वारा या नहीं, देखते हैं। फिलहाल लेट्स सी, आगे बढ़ते हुए सभी खिलाड़ी टीम के क्या सिनेरियो रहता है देखते हैं हम। लेट्स सी, प्रणव, रॉयल राज, राकेश यहाँ पे मौजूद, राकेश 01, लूफी 01, प्रीत, एक्सजी, चिराग, वेदांत, दमन, वेदांत यहाँ पे, वेदांत के सामने बंदा, वेदांत का जोरदार हेडशॉट, एक्सट्रीम डेथ बैक टू बैक खुद को प्रूव करती हुई। और लूफी आ चुका है दोस्तों गेम के अंदर यहाँ पे। सो ऑल मैन इक्वल फाइट यहाँ पे, बट लूफी को अनफॉर्चुनेटली टेक डाउन कर दिया गया यहाँ पे। लूफी नॉकडाउन हो चुके हैं, हमारा स्नाइपर ओपी है। अच्छा रेड, लाल फूल, नीला फूल, एटी भैया बीटी फूल। अच्छा लूफी भाई ठीक है ब्रो, हाँ हेलो, कह रहे क्या मैटर है, क्या है? अरे व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में। चलो लेट्स गो, प्रणव, राकेश यहाँ पे, राकेश के सामने बंदा, 1v3 का सिचुएशन यहाँ पे कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस चुकी है टीम। और अब यहाँ पे जबकि 2-0 की लीड ले चुकी है एक्सट्रीम डेथ, तो क्या लगता है क्या कोई चांसेस है यहाँ पे जिम रैट्स की कमबैक का दोस्तों? एनी गेसेस कि क्या यहाँ पे जिम रैट्स कमबैक कर पाएगी, क्या लगता है आपको? रेड फूल, लाल फूल, लूफी भैया ब्यूटीफुल, भाई कितना कंफ्यूजन है भाई। लेट्स गो। फिलहाल चलते हैं, एक्सजी दमन, एक्सजी वेदांत, एक्सजी चिराग, प्रीत एक्सजी और हॉक प्रणव, रॉयल राज, राकेश 01, लूफी 01 यहां पे मौजूद सभी खिलाड़ी, देखते हैं अब क्या होता है। आगे बढ़ते हुए यहां पे एक उम्मीद लेकर कि हाँ यहां पे जिम रैट्स के खिलाड़ी कमबैक करेंगे इस राउंड के अंदर, मगर क्या यहाँ पे एक्सट्रीम डेथ के खिलाड़ी यहाँ पे कमबैक करने देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट सीजन से भी ज्यादा थोड़ा एग्रेसिव गेम प्ले यहाँ पे एक्सट्रीम डेथ का हमें देखने को मिल रहा है। दमन यहाँ पे राइट साइड से फ्लैंक करते हुए, चिराग भी यहाँ पे मौजूद और यहाँ पे दमन ने शुरुआती पलों में एक प्लेयर को फिनिश कर दिया है। 1 man डिसएडवांटेज फॉर टीम जिम रैट्स नाउ। अब यहाँ पे दमन इतना अग्रेसिव हो चुके हैं कि यहाँ पे सामने 2 बंदे हैं और दोनों को मारने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। एक को हेडशॉट जड़ा है और 3 बंदे हैं यहाँ पे, जिसमें से एक को फिनिश कर दिया है, 2 को डैमेज, ट्रिपल किल दमन का। ओ माई गॉड व्हाट अ शॉट दैट वाज दमन, आते गए मार खाते गए, एक एक करके 3-0 की लीड में फिलहाल टीम एक्सट्रीम डेथ। दोस्तों मात्र 1 राउंड और अपनी जीत से दूर टीम एक्सट्रीम डेथ, और उसके बाद टीम सीधा क्वालिफाई हो जाएगी अगले राउंड के लिए। दोस्तों समझ रहे हो ना कितना ओपी हो चुका है सिनेरियो यहां पे क्रिएट। अब देखते हैं क्या रहता है। लेट्स गो गाइस, फिलहाल यहां पे
देखते हैं दमन विधान चिराग प्रीत, दमन विधान चिराग प्रीत मौजूद, प्रणव रॉयल राज लाकेश एंड लूफी, प्रणव रॉयल राज राकेश एंड लूफी, रॉयल राज यहां पे कहीं ना कहीं एसी एट लेके मौजूद, आखिरी मौका यहां पे कहीं ना कहीं जिम रैट्स के पास इस राउंड को कम बैक करके मैच में वापसी करने का, मगर एक्सट्रीम डेथ एक, अब कह रहा हूं मैं तीन प्लेयर दूर अपनी जीत से, क्योंकि एक तो खत्म ही कर दिया विदान, दमन समाप्त हो चुके हैं, विदान ने एक को हेडशॉट लगा के फिनिश भी कर दिया, लो कर लो बात, थ्री वर्सेस थ्री की फाइट अब यहां पे कहीं ना कहीं खिलाड़ी के द्वारा, चिराग ने भी एक प्लेयर नॉक कर दिया, अब आखिरी प्लेयर दूर रहेगा ये मात्र ये टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज हासिल करने के लिए, यहाँ पे पूरा एक तरफा इस मैच में जीत दर्ज हासिल करती हुई नजर आ रही है टीम एक्सट्रीम डेथ, और अब इस बात में कहीं दो राय नहीं है कि टीम एक्सट्रीम डेथ हैज बीन क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। जी गाइस बिल्कुल 4-0 की लीड से यहां पे टीम ने इस मैच के अंदर मारा है बाजी और क्वालिफाई कर गए हैं राउंड वन और बढ़ चले राउंड टू में एक्सट्रीम डेथ के ये खिलाड़ी। क्या ये टीम हमें एक बार फिर से फाइनल्स में देखने को मिलेगी, ये तो हमें अपकमिंग मैचेस के अंदर ही पता चलेगा, बट फिलहाल इस मैच का रिजल्ट देखते हैं और स्कोर कार्ड आपको दिखा दें दोस्तों फटाफट से। फिलहाल यहाँ पे वेदांत के 5 किल रहने वाले हैं, टॉप रैंक किया है वेदांत ने। वहीं बात करूं चिराग की तो चिराग के 5 किल, दमन के 5 किल और प्रीत भाई के 1 किल रहने वाले हैं मौजूद। सो दोस्तों साथ साथ सामने वाली टीम की अगर मैं बात करूं तो प्रणव के 1, रॉयल राज के 1, राकेश के 0, लूफी के 0। कुछ खास परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हमें जिम रैट्स के द्वारा नहीं देखने को मिला, बट वन साइडेड जरूर खेला यहाँ पे खतरनाक तरीके से एक्सट्रीम डेथ के खिलाड़ियों ने। सो दोस्तों इसी के साथ ये मैच तो यहाँ पे हो चुका है समाप्त। ठीक है बिल्कुल सही सुना आपने, ये मैच तो हो चुका है इसी के साथ यहाँ पे समाप्त, और आज के मैचेस यानी राउंड वन डे थ्री का दिन और मैच होता है इसी के साथ यहाँ पे समाप्त। आज आपने देखा बहुत सी बेहतरीन बेहतरीन टीम्स को क्वालिफाई करके अगले राउंड में जाते हुए, बहुत मजा आया। अगला दिन और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फिलहाल आज के दिन को करते हैं इसी के साथ आप सबके साथ यहीं पे खत्म। दोस्तों आपने अगर अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो मेरी जान, और हाँ आज के स्ट्रीम को करते हैं इसी के साथ अब यहाँ पे खत्म। मैं ए2 गेमर मिलूंगा आप सभी लोगों से कल के लाइव स्ट्रीम के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट, यूं ही प्यार बनाए रखना दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी लोगों से कल, इसलिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...